الحمد لله الذي لا نفسي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم بیٹھ جاؤ میرے دوستو برآمدے میں شور ہے بھائی بھائی ادریس بھائی ایک سمپل سی بات ہے دونوں دور کو بند کر دیا جائے نہیں نہیں بند نہیں کرتے بند نہیں کرتے میرے بھائی اور دوستو اس وقت مستورات کا مردوں کا کافی مجمع ہے تو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں جن کا تعلق ہماری اس زندگی سے بھی ہے آخرت سے بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے ہم کچھ نہیں تھے اللہ نے بنایا حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا یقیناً ایک زمانہ میرے بندو تم پر ایسا تھا تو تم کچھ بھی نہیں تھے صرف اللہ تھا باقی تو سب بنایا گیا ہے کچھ پہلے کچھ بعد میں بنانے والے نے اس کے اندر چند بنیادی خامیاں رکھی ایک تو موت ہی ہے کہ یہاں رہنا نہیں چلے جانا ہے پھر اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرماتا ہے مرد ہو یا عورت کان الانسان عجولا انسان جلد باز بہت پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وکان الانسان اکثر شیئن جدلا یہ غصے والا بہت ہے لڑائی جھگڑے بڑے کرتا ہے اب بنانے والا ہی بتا رہا ہے نا تو لہٰذا وہ تو بے خطا ہوگا میری بات تو تولا جا سکتا ہے غلط ہے صحیح کہ اللہ اس کے رسول کی بات کو تولا نہیں جاتا حق پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا یہ ناشکرا بھی بہت ہے تھوڑا سا جھٹکا دے دوں تو پچھلے سارے احسان بھول جاتے ہیں اور دنیا موٹر وے نہیں ہے یہ ہے ٹوٹی ہوئی سڑک اور اس میں بھی آگے جگہ جگہ سپیڈ بریکر لگے ہوئے ہیں یہ اسی طرح ایک طے ہوتی ہے وہ ایک آگے زندگی آ رہی جس میں اللہ ہر رکاوٹ ہٹا کر ہر آنے والے لمحہ سیکنڈ گھنٹہ نہیں دن ہفتہ نہیں سال نہیں
हर सेकंड के अंदर जो पिछला सेकंड गुजरा है अगले सेकंड में उससे करोड़ों गुना ज्यादा लज्जत और खुशी डाल दे। उस अगले सेकंड आएगा तो उसमें अल्लाह ताला उससे कई गुना, चूंकि ना अल्लाह की जात की कोई हद है ना उसकी अता और खजानों की और देने की कोई हद है, वो अपने देने में, वो अपनी जब जात में लामहदूद है तो देने में भी लामहदूद है। तो हर आने वाले लम्हा सेकंड उसमें अल्लाह ताला पहले से लज्जत को ज्यादा कर देगा। सुभान अल्लाह। और अभी हदीस याद आई कि एक जन्नती एक जगह बैठा होगा, यूं से सामने कोई चीज उसके कोई मंजर होगा उसकी वजाहत नहीं कि देख रहा हो, जो कुछ अल्लाह ने उसे दिया देख रहा होगा, वो जहां बैठा होगा सिर्फ वहीं देखने में वो ऐसा गुम हो जाएगा कि उसको वहां हजारों साल गुजर जाएंगे उसे होश नहीं होगा। तो कहां बैठा होगा? 70 का लफ्ज आता है 70 साल, 70 साल गुजर जाएंगे। और अरबी में 70 का मतलब 70 नहीं, 70 नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा। जैसे हमारे मुहावरे में कहते हैं तुम्हें 100 दफा तो समझाया, तो इसका मतलब 100 नहीं होता, यानी बहुत दफा होता। तो अरबी में 70 का लफ्ज इस्तेमाल होता है यानी बहुत ज्यादा। 70 साल का मतलब है बहुत लंबा अरसा वो बैठा होगा, वो मजे ले रहा है, न बीवी न खाना न दोस्त न यार न पीना, बस सिर्फ देखने का मजा लिए जा रहा है, लिए जा रहा कि हर लम्हे में वो अल्लाह ताला जिस चीज को देख रहा है। फिर देखने में भी ऐसा होता है कि जब हम एक चीज को बार बार देख लें तो दोबारा देखने का शौक खत्म हो जाता है, क्योंकि वो भी अपने हुसन में एक जगह टिकी हुई है, उससे आगे उसका हुसन बढ़ नहीं रहा। कुछ मेकअप से बढ़ा देते हैं तो वो भी एक वक्त तक होता है, फिर वो रिवर्स हो जाता है। तो लिहाजा दुनिया की कितनी ही खूबसूरत शक्ल हो, कुछ अरसे बाद उसका उससे नजरें हट जाती हैं, क्योंकि उसमें आगे बढ़ना कोई नहीं है। अब जन्नत में क्या होगा कि इधर हमारे अंदर वो बढ़ा रहा होगा लज्जत को हर लम्हे में कई गुना करके, और उधर जो चीज देखी जा रही, कोई दरख देख रहा है, कोई पत्ता देख रहा है, कोई परिंदा देख रहा है, कोई नहर देख रहा है, कोई बादल देख रहा है, जो भी देख रहा है, उसके अंदर भी अल्लाह हर लम्हे में पहले से हजारों गुना ज्यादा खूबसूरती बढ़ाता होगा, बढ़ा रहा होगा। बल्कि एक और हदीस याद है कि हामिद अपनी बीवी को यूं देखेगा, फिर इधर देखकर फिर यूं देखेगा, एक सेकंड में हो ना, यूं नजर फिरा के फिर यूं देख, तो उसकी बीवी उसकी नजर में पहले से हजार गुना ज्यादा हसीन हो चुकी है, और बीवी ने यूं देखा और यूं अपने हामिद को देखा, बस इतना नजर यूं गई, यूं गई, एक सेकंड से भी कम। तो हामिद बीवी की नजर में कई हजार गुना ज्यादा खूबसूरत हो चुका होगा। तो अब अगर वो सिर्फ एक दूसरे को भी देखते रहे तो लाखों बरस बैठे रहे, देखने की लज्जत खत्म नहीं होगी, क्योंकि चीज बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। और यहाँ चीज जो थी है वो एक जगह पे आकर टिक जाती, फिर उसके बाद वो नीचे जाना शुरू हो जाती, नीचे जाना शुरू हो जाती, जवाल की जगह, मिट जाने की जगह। तो एक एक मंजर ऐसा होगा क्या उसमें गुम हो जाएगा, वो अल्लाह ने वो ठिकाना बनाया। तो फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे ये मेरा बंदा एक ही जगह में गुम हो गया, ऐसे कोई और भी नजारा कराओ भाई, तो अल्लाह की तरफ से आएगा, वैसे कोई और चीज भी दिखाओ ये तो एक में ही गुम हो गया। तो उसके यूं बैठा होगा तो उसके कंधे पे यूं आके कोई हाथ मारेगा, तो ऐसे मुड़ के देखेगा तो एक लड़की खड़ी होगी जिसके 100 जोड़ों में उसका पूरा जिस्म मैसेज सूरज की तरह चमक रहा होगा, तो वो उसके लिए नई होगी, तो वो पूरा उसकी तरफ यूं मुड़कर उसको देखेगा, तो वो कहेगी अमाला कफीना मैन रहबत है, आपको मेरी कोई रहबत है, मेरा कोई शौक है या नहीं? वो कहेगा क्यों नहीं, तुम हो कौन, कौन हो? तो वो कहेगी
انا من اللواتي قال الله تعالى ولدينا مزيد, मैं उनमें से हूँ जिनके बारे में तेरे रब ने कहा था तुम्हें दुनिया में कि जब तू आ जाएगा और एक दफा मैं तुम्हें दे दूंगा जो देना है वो फिर मेरा एंड नहीं होगा, उसके बाद फिर मैं देता ही जाऊंगा। तो मैं उनमें से हूँ जिनको अल्लाह ने तुम्हें और मजीद दिया है, उनमें से, क्योंकि जन्नत में जितना भी कुछ मिल जाए जिंदगी चूंकि खत्म ही नहीं होनी, तो लिहाजा जरूरी है कि उसमें इंसान की राहत को हर लम्हे बढ़ाया जा रहा, तो अल्लाह ताला देता जाएगा। ना उसके देने में कमी है ना इनके मांगने वाले, बल मांगने वाले एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे बंदियों से कहेगा आज मुझसे मांगो क्या मांगते, कहेंगे अल्लाह मांगने की चीज ही कोई नहीं, हर शे तो तूने दे दी, अब क्या मांगे, तो अल्लाह ताला कहेंगे नहीं मैं चाहता हूं मैं तुम्हें आज अपनी शान का अता कर, तुम्हारे अमलों का नहीं तो अपनी शान का, तो कहेंगे राजी हो जा, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे राजी हूं तो जन्नत में बिठाया वरना लेतर ना होते जो दो दर दे, तो राजी हूं तो यहां बिठाया ना जन्नत के जूते खत मांगो, तो फिर सारे मांगना शुरू करेंगे यहां तक कि उनके सब सवाल खत्म हो जाएं, तो अल्लाह ताला कहेंगे देखो मैंने तुम्हें कहा मेरी शान का मांगो तो अभी तुमने बहुत थोड़ा मांगा और मांगो, फिर वो अल्लाह से मांगेंगे मांगते फिर एंड हो जाएगा, कहेंगे या अल्लाह बस, तो अल्लाह ताला फिर फरमाएंगे नहीं मेरी शान का नहीं शुरू, मेरी शान का मांगो, फिर तीसरी दफा भाई तुमने क्या मांगा एक दूसरे से पूछ रहे हैं, तो फिर जोर लगा के, और दुनिया में हमारा जो ब्रेन है ये 5-6% काम करता है बाकी फालतू पड़ा हुआ है, और जन्नत में अल्लाह सारा खोल देगा। तीसरी दफा मांग एंड ऑफ हो जाएगा, कहेंगे या अल्लाह बस, कहेंगे नहीं मांगो, कहने या अल्लाह बस, कहेंगे मांगो का हमारी समझ में और कुछ नहीं आता, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदो अभी तो तुमने अपनी शान के मुताबिक नहीं मांगा तो मेरी शान कहां है, तुम तो अभी अपनी शान के मुताबिक मैं नहीं मांग सके, लेकिन चलो जो तुमने मांगा मैंने वो भी दे दिया, जो नहीं मांगा वो भी दे दिया, मौज करो। तो दुनिया तो ऐसी ही चलती है, उसमें अंधेरा भी आता है उजाला भी आता है, सर्दी भी है गर्मी भी है बीमारी भी है सेहत भी है परेशानी भी है राहत भी है, ये साथ साथ चलता है, पेपर है सारे पेपर हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारा एक ऐप बताया हुआ कान अल इंसानों का फूरा, ना शुक्रा पड़ा है, फिर अल्लाह ताला ने एक और बताया हुआ कान अल इंसानों कतूरा, बखील बहुत, जोड़ने का बड़ा शौक है इसका, जमा करने का बड़ा शौक है, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं खुलक अल इंसान ज़ईफा, कमजोर बहुत, तो और भी काफी सारे हैं लेकिन ये चंद एक मैंने सिर्फ नमूने के लिए आपको बताया, इन अल इंसान खुलक हलू इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहु खैरु मनूआ, हलू जज़ू अनू कफूर कनूत कतूर और अजूर, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने हमें बतलाई कि तुम्हारे अंदर ये फॉल्ट है, ये बताकर अल्लाह ना हमें एक बात समझाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ शैतान भी लगा हुआ है, अल्लाह ताला ये समझाना चाहते हैं कि मेरे बंदे ये तेरे अंदर बुनियादी कमियां हैं, तो देख अपनी मर्जी पे ना चलना वरना हलाक हो जाओ, अपनी अकल पे ना चलना हलाक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा बुनियादी फॉल्ट है कि तुम जल्दबाज हो, तुम गुस्से वाले हो, तुम बखील हो, और तुम ना शुक्र हो, और तुम जालिम हो, जलूमन जहूला, तुम जालिम हो, तुम जाहिल हो, तुम बेसब्र हो, तुम ना शुक्र हो। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाए ना तो वो आपको बता दे कि आपके टेस्ट रिपोर्ट ये है, तो आप परेशान होकर कहेंगे जी फिर आप मुझे इलाज बताएं मैं क्या करूं, एकदम आप तैयार हो जाते हैं कि अब ये मेरा इलाज करें,
मुझे कोई तरीका बताया, मैं कैसे निकल। वो कहता ये खाना ये नहीं खाना, ये इस टाइम की दवा, ये सोट की दवा। तो अल्लाह ताला ये सब कुछ हमें बता के औरतों में मर्दों में ये चीजें बराबर हैं, फिर कहा कि अब तुम ऐसा करो कि जो मैं कहूं वो कर दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, जो मैं कहूं वो कर दो, जिससे रोकूं उससे रुक जाओ, जिसका कहूं उसे कर दो। وَمَنْ يَتَعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, پھر میری طرف سے بشارت ہے کہ اگر تم نے میرے اور میرے رسول کو راضی کر لیا اور ان کے طریقوں پر زندگی گزار لی تو بس تم اس جہان دونوں میں کامیاب۔ تو ایک بنیادی نقطہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اور کیا کیا سمجھانا چاہتے ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اوپر اعتماد سے ہٹا رہا ہے۔ اپنے علم پر نہ چلو, جو اللہ کی طرف سے علم آئے اس پر چلو۔ نظر کچھ اور دیکھتی ہے, آسمان والا کچھ اور کہتا ہے۔ میں نے 100 روپیہ سود پہ لیا, وہ مجھے 110 ہو کے واپس ملا, تو 100 پاؤنڈ پہ 10 پاؤنڈ مجھے اضافہ ملا, تو میرے پیسے 110 ہو گئے۔ ایک آدمی نے 100 میں سے 10 اللہ کے نام پہ دے دیا, اس کے 90 رہ گئے۔ دونوں اماؤنٹ سامنے رکھو, یہ 90 پاؤنڈ ہے, یہ 110 پاؤنڈ ہے۔ اب میری نظر کہہ رہی یہ زیادہ وہ تھوڑا ہے, اور اللہ کی خبر کہہ رہی یمحق اللہ الربا ویرد الصدقات, میں سود کو مٹاتا ہوں گھٹاتا ہوں اور صدقے کو بڑھاتا ہوں۔ پر اس کے ساتھ اللہ کے نبی کی خبر, ما نقص مال امرئ من صدقہ, اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے کا پیسہ کبھی نہیں کم ہو سکتا۔ ثلاث اقسم علیہن, میں ان پہ قسم اٹھاتا ہوں یعنی ضمانت دیتا ہوں کہ جو اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا اس کا مال کم نہیں ہو سکتا۔ تو اب مجھے نظر آیا ہے 110 زیادہ ہے, 90 تھوڑا ہے۔ میرے اللہ نے خبر دی ہے 90 زیادہ ہے, 110 تھوڑا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن بنانا چاہتے ہیں کہ جو تیرا رب کہے اس پہ چل, جو اللہ کا علم ہے اس پہ چل, اپنے علم پہ نہ چل, جو اللہ کہے اس پہ چل۔ اور چونکہ پھر اللہ ڈائریکٹ تو آتا نہیں, تو بیچ میں نبی کو لاتا ہے, وہ جو اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ بنتے ہیں وہ انبیاء ہیں۔ اور ہماری یہ لاٹری نکلی کہ ہمیں جو نبی ملے وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے, جو سارے نبیوں میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اپنا نام نہیں عطا فرمائے, اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے ناموں میں سے 2 نام دیے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم, تمہارا رب رؤوف ہے رحیم ہے۔ اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم, یہ میرے جو محبوب نبی ہیں یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف ہیں رحیم ہیں۔ 2 نام عطا فرمائے, رؤوف رحیم, رؤوف رحیم۔ اور اللہ تعالی نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی, اپنے حبیب کی قسم اٹھائی, لعمرک اے میرے محبوب تیری جان کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی, آپ کے شہر کی قسم اٹھائی, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, اس شہر کی قسم, لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, جس شہر میں آپ ہوں میں اس کی قسم نہ اٹھاؤں تو اور کیا کروں, میں اس کی قسم اٹھاؤں گا کہ آپ اس شہر میں موجود, آپ کی برکت سے وہ شہر بھی برکت والا ہے, تو میں اس کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ اس میں موجود۔ کسی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی, آپ کی رسالت پہ قسم اٹھائی, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں۔ تو اللہ نے ہماری لاٹری نکالی, اللہ نے ہمیں اپنا نبی اپنا حبیب دے دی۔ جیسے مہربان شفیق کے ایک دفعہ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں۔ عائشہ سب سے محبوب بھی, سب سے زیادہ محبت جن سے تھی اور جن کے سینے پہ سر رکھے ہوئے جان دی اور جن کے حجرے میں
आपका अबदी क्यामत तक का आराम होगा। या रसूल मेरे लिए दुआ तो करे। तो हमने कहा अल्लाह मग़फ़िर ली आयशा मा तक़द्दम मिन ज़म्बिहा व मा तअख़्खर व मा असर्रत व मा अहलनत। या अल्लाह आयशा के अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा और जो छुप के किए जो जाहिर किए वो सारे माफ़ फरमा। तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला खुशी से ना जमीन पर लेट गई। तो आपने कहा आयशा बड़ी खुश हो रही का क्यों ना इतनी बड़ी दुआ आपने मुझे दी। आयशा ये दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए रोजाना मांगता हूँ। तुम्हारे तो कहने पर तुम्हें दी ना अपनी उम्मत के लिए मैं रोजाना ये दुआ मांगता हूँ और उम्मत आने वाली क़यामत तक की नस्ल उसके लिए मैं दुआ रोजाना मांगता हूँ। फिर आपने फरमाया अल्लाह ने हर नबी को एक खास दुआ दी कि ये दुआ का तुम्हें हक हासिल है मांगो। हर नबी ने वो दुआ का हक इस्तेमाल कर लिया खत्म। अल्लाह ने मुझे भी वो दिया कि मेरे नबी मांग। मैंने कहा नहीं या नहीं मांगूंगा। आखिरत में जब तू जमा करेगा ना मेरी उम्मत को तो मैं वहां उनकी सिफारिश के लिए ये दुआ करूंगा। तो मैंने अपनी दुआ का हक महफूज रखा है मैं अपनी उम्मत के लिए इस्तेमाल करूंगा। और जब जहन्नम को लाया जाएगा तो एक चीख मारेगी तस्फर ज़फ़रा एक चीख मारेगी। उस चीख पर सारे इंसान फरिश्ते जमीन पर गिरेंगे और हर एक की जबान पे होगा नफसी 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 नफसी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह आज मैं किसी का सवाल नहीं करता बस मेरी जान बचा लो। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता बस मेरी जान बचा लो। इस सारे मजमे में एक आवाज होगी या रब उम्मती 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 उम्मती। और ये आवाज ऐसी गूंजेगी कि सब मुतवज्जी होंगे कि ये कौन है कि जो नफसी नफसी छोड़ के उम्मत उम्मत ही कह रहा है। जब देखेंगे तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने आहोजारी या अल्लाह मेरी उम्मत या अल्लाह मेरी उम्मत। और ये रोना धोना अपने सहाबा के लिए नहीं था इसलिए कि उनका जन्नती होना तो मंजूर हो चुका था कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना के अल्लाह ने सहाबा के दो तबके बनाए के मेरे महबूब ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन कब्ल الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا وقاتلوا من بعد وكلا وعد الله الحسنى। जो सुलह हुदैबिया से पहले जो फतह मक्का से पहले जो ईमान लाए वो और जो बाद में ईमान लाए वो बराबर नहीं है बराबर नहीं वो बड़े दर्जे के ये छोटे दर्जे के हैं। लेकिन ये मेरा वादा आपके साथ वो कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना मेरा वादा है मैं सब के लिए जन्नत का वादा करता हूं सब जन्नत सहाबा सारे जन्नत उनके सारे कसूर अल्लाह ने माफ कर दिए। तो अब आपका रोना किस लिए है? अब आपका रोना आने वाली नस्लों के लिए मेरी उम्मत का आगे क्या बनेगा जो आगे आ रही उसके लिए आहोजारी थे रोना थी। तो अल्लाह और बंदे के दरमियान वास्ता बने नबी। हमारे ऊपर अल्लाह का फजल हुआ कि हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती मिल गई। तो ऊपर अल्लाह है नीचे रसूल है तो ये दोनों हजरात का हमसे मुतालबा है कि अपनी अकल पे ना चलो अपने फैसले खुद ना करो अल्लाह उसके रसूल के हवाले करो। ये एक बुनियादी चीज है। अब अगली चीज मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया के मर्द औरत इस पर मुत्तफिक हैं कि जितने ज्यादा हमारे पास दौलत होगी उतने ज्यादा हम खुशहाल होंगे। जितने हमारे पास पैसे ज्यादा होंगे पाउंड ज्यादा होंगे डॉलर ज्यादा होंगे और हमारी प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा होगी उतनी हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ये पूरी दुनिया के इंसान मर्द औरतों का ये मुत्तफिक का फतवा है। सबने ये फतवा दे दिया कि जिंदगी तो तभी अच्छी होगी जब पैसा होगा। पैसा नहीं है तो जिंदगी क्या है? जब ये बुनियाद बनी कि पैसे ही से जिंदगी बनती है तो अब रास्ते उसके मुताबिक चलने शुरू हो गए कि भाई मर्द के कमाने से पूरा नहीं होता औरत भी कमाए उसके साथ बच्चे भी कमाए। और मुझे
और ग्लासगो में पता नहीं यहाँ भी होंगे कुछ ऐसे कि साल के 365 दिन कोई छुट्टी नहीं, काम ही करना है, काम ही करना है। तो ये क्या जिंदगी है भाई? इसमें इससे तो गधा बेहतर है जो कृष्ण के वक्त तो जाके रस्से से बंध के खड़ा हो जाता है। अभिषेक माइंड सेट हो चुका है कि जितने हमारे पास पैसे ज्यादा आएंगे उस उतनी हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अब चूंकि सिर्फ मर्द की कमाई से पूरा नहीं हो रहा तो औरत भी कमाए, फिर उससे पूरा ना तो बच्चे भी कमाए। फिर उससे अगला स्टेप, अब हलाल में पूरा नहीं हो चलो हराम भी कमाओ, शराब भी बेचनी पड़े बेचो पैसा ज्यादा आएगा, और रिश्वत लेनी पड़े लो पैसा ज्यादा आएगा, खोट मिलावट झूठ पे चलना पड़े चलो चूंकि पैसा ज्यादा आएगा। पर उसके लिए झूठ सच नंबर दो चीज बन जाती है, पर उसके लिए हलाल हराम ये पीछे चला जाता है। ये पहले एक जहन बना, इस जहन के पीछे वो खताएं हैं, जल्दबाज है, ना शुक्र है, इल्म थोड़ा है, गुस्से वाला है, कमजोर है, जालिम है, जाहिल है ना। ये सारी चीजों चूंकि ये बुनियादी खता थी तो जब अपनी अकल से फतवा मांगा तो उसने कहा जितना पैसा होगा उतने काम बनेंगे। फिर शैतान ने फतवा दिया कि हलाल कमाई में तो इतना आता नहीं, लिहाजा कोई इधर उधर भी जाओ। मैं एक दफा, बहुत पुरानी बात है, चीज़ अब थी हमारी जमात थी, वहां एक बहुत अल्लाह के नेक महबूब बंदे थे, उनके पास हम बैठे हुए थे। तो एक साहब आए तो वो मुझे आज तक याद है, 1972 की बात है। तो वो कहने लगे हजरत जी दुआ करो अल्लाह ताला हलाल देवे ते बहुता सारा सब एक्शन किया अल्लाह ताला हलाल देवे ते बहुता। तो उन्होंने बड़े पोले मुंह से कहा हलाल तो थोड़ा ही मिलू, हलाल तो थोड़ा ही मिल लो। और अल्लाह ने पहले से कुल्ला यस्तविल खबीथ वत्तय्यिब वलो अअजबकुम कसरतुल खबीथ, अल्लाह ने कुरान में पहले से कह दिया था कि देखो हलाल और हराम बराबर नहीं है, अगरचे हराम की ज्यादती में तुम्हें मजा बड़ा आएगा, तुम्हें बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन याद रखना ये वो हलाकत का रास्ता ही कामयाबी का रास्ता। तो ये एक माइंड सेट हुआ, अब उस पर सारे लग गए, बाप भी, मां भी, बीवी भी, बच्चे भी, भाई भी, सब लगे हैं, सब लगे। इसके मुकाबले में अल्लाह एक जहन देता है जो मैंने आज छोटी सी पढ़ी थी। एक जहन अल्लाह हमारा बनाता है कि मेरे बंदो जिंदगी बनाने वाला अल्लाह है। अच्छा, जिंदगी का बनना और बिगड़ना एक बीच में मैं इजाफी बात करूं, अल्लाह की कसम इसका ताल्लुक चीजों से नहीं, पैसे से नहीं, जिंदगी के बनने और बिगड़ने का ताल्लुक आपस के रवैयों से है, बिहेवियर से। आदमी बीवी को सोने का सेट नहीं जेवर का सेट पहना दे और दो बोल कड़वे सुना दे तो कहेगी ये काश तो मुझे ये हीरे का सेट ना देता, ये मीठे दो बोल मुझे दे देते। और बीवी खामिंद की सारी खिदमत करने के बाद दो बोल कड़वे सुना दे तो कहेगा तू मेरे काम ना करती, ये दो बोल ना बोलते। जिंदगी जो जिंदगी में जो खुशी आती है, खुशी जिसको कहते हैं बड़ा खुशहाल है, खुशहाल घर को, बड़े घर को खुशहाल नहीं कहते, सोने चांदी के जेवरात को और बड़ी गाड़ियों को खुशहाली, ये अंदर की कैफियत का नाम है खुशी, अंदर की कैफियत का नाम है परेशानी, दुख, गम, ये अंदर की कैफियत है। और इन कैफियत का ताल्लुक चीजों से नहीं है, इन कैफियत का ताल्लुक आपस के बिहेवियर से। औलाद माँ बाप को थोड़ा सा तेज बोल दे तो माँ बाप के सारे सुख खत्म हो जाते,
एक दफा हम हिजाज में थे तो मेरी बीवी ने अपने दरमियाने बेटे को फोन किया तो वो कहीं सोया हुआ था, तो उसने ढीला ढाला जवाब दिया, नींद में आदमी ऐसा ही होता है। तो मैं कमरे में आया तो वो मेरी बेगम बैठी रो रही, क्यों हज पर थे, मैं क्या हुआ, तो वो मैंने आसिम को फोन किया, उसने इतना सर्द जवाब दिया है कि मैं रो पड़ी, मैं इसके लिए सारी सारी रातें जाग के काट, ये मेरे लिए थोड़ी सी नींद नहीं कुर्बान कर सका, हालांकि उसने कोई बेअदबी नहीं की, गुस्सा ही नहीं की, सोया आदमी कैसे वेलकम कर सकता। रवैये रवैये जिंदगी, मेरे भाइयों जिंदगी में खुशियों के आने का ताल्लुक अल्लाह की कसम कपड़ा जेवर पैसे से नहीं, बड़े घर गाड़ी से नहीं, जो खुशियां आती हैं वो आपस के अच्छे रवैयों से आती हैं। अगर वो बिगड़े हुए हैं तो जिंदगी में खुशी को भूल जाओ, अगर वो सही हैं तो भूख में भी मजा ना देख। तो अल्लाह ताला ने हमें बुनियाद समझाई है, एक बुनियाद शैतान ने समझाया कि पैसा बनाओ, पैसे से खुशी हासिल करो, पैसे से तुम खुशहाल हो जाओ, और अल्लाह का दूसरा जहन दिया कि नहीं ये इससे नहीं होगा, खुशी और गमी अल्लाह दिल में डालते, वो एक कैफियत है। सईद बिन जुबैर जब जबर किए गए तो खून निकला बहुत ज्यादा, तो हज्जाज ने तो 125,000 आदमी कत्ल करवाए थे, तो वो कहने लगा मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा कि इतना खून निकला, इसका खून इतना क्यों निकला, तो वो तबीब ने कहा कि ये आदमी आखिरी वक्त तक गर्दन पे छुरी फिरने के वक्त तक भी अंदर से मुतमईन था, इसका खून खुश्की नहीं हुआ, लिहाजा पूरा बाहर निकला, और जो पहले तो उन्हें कत्ल की वो तलवार देख के उनके अंदर की रूह फना हो जाती थी, आधा खून तो वैसे ही खत्म हो जाता। तो एक जहन अल्लाह उसके रसूल ने दिया है कि हलाल पे आ जाओ, इताअत पे आ जाओ, मन अमल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्था, अपनी जिंदगी को अगर खुशहाल रखना है, इस जहान में फलाह पानी है, तो अल्लाह ने एक तरतीब जिंदगी बताई है, तो उसको फॉलो करो फिर रिस्क तो ऊपर से आता है। मेहनत तो एक सबब है, देने वाला अल्लाह, कभी ज्यादा देता है कभी कम देता है, कभी दरमियाना देता है कभी बहुत ज्यादा देता है कभी कुछ भी नहीं देता, जिनको कुछ भी नहीं देता और हैं वो ईमान वाले भी हैं और अल्लाह से डरने वाले भी, उनका केस बड़ा अजीब होगा आखरत, वो उनके पास फरिश्ते जाएंगे हिसाब दो, वो कहेंगे उनसे हिसाब ले जिनको दिया था, हमसे क्या लेते, वो बड़े आगे कहेंगे उनसे ले जिनको दिया था हमसे क्या लेते, तो फरिश्ते भी बड़े परेशान हो जाए, कहेंगे या अल्लाह के तेरे बंदे बड़े सर फिरे मिले नाज, वो कह रहे थे उनसे हिसाब ले जिनको दिया था, हमें दिया क्या था जिसका हिसाब लेते, तो अल्लाह ताला कहेगा उनको बुलाओ मेरे पास, तो उनको वो तराजू के पास बुलाया जाएगा, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे हाँ भाई क्या मसला है, कहेंगे अल्लाह ये तेरे फरिश्ते हिसाब लेने आए थे, तो हमने कहा था कि हमारे पास था क्या जिसका हिसाब लेते, ये तो मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि उनसे ले जिनको दिया था, वो कहेंगे हमारे पास है क्या जिसका हिसाब लेने आ गए, तो वो कहेंगे या अल्लाह हमारे पास था क्या जिसका तो हिसाब लेता ही हमने कहा, तो अल्लाह ताला उनसे ऐसे माजरत करेंगे जैसे हम एक दूसरे से माजरत करते हैं, वो कहेंगे अमा इन्नी लम अज़्वि अनकुम दुनिया लिहवानिन बिकुम अलैया, फिर बंदो देखो बात यह है कि तुम्हें दुनिया से दूर इसलिए नहीं रखा कि तुम मेरी नजरों में छोटे थे या तुम मेरी नजरों में हकीर थे, बल्ले अद्दखरलकुम मिन करामती लिहादल यौम, आज का दिन मैं तुम्हें औरों से ज्यादा इज्जत देना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें तंगी में रखा था, तो जाओ इन मालदारों को हिसाब में छोड़ दो, तुम जाओ जन्नत में जहां मर्जी चले जाओ, तुम्हारे लिए जन्नत खुली है। तो अल्लाह उसका रसूल का दिया हुआ जहन है कि अपने अमल पे फोकस करो। अब उसकी दो बड़ी शाखें हैं,
एक का ताल्लुक अल्लाह के साथ है, एक का ताल्लुक बंदों के साथ है। जिसका अल्लाह से ताल्लुक है उसको इबादत कहते हैं, उसमें नमाज सबसे आला दर्जा, ईमान के बाद नमाज सबसे आला दर्जे की चीज। कि आपकी नसीहत में जो आखिरी लफ्ज था वो था अस्सलाम, जब आप दुनिया से जा रहे थे 12 रबीउल अव्वल 7 जून 633 ईस्वी, पीर के 10-12 के दरमियान का टाइम, तो जब आप जा रहे थे तो आपने कहा अस्सलाम, नमाज ना छोड़ना। वमा मलकत अईमानुकुम, कमजोर लोगों पर रहम करना, ज्यादती ना करना, ये दो लफ्ज आप दोहरा रहे थे। इसी दो को मैं बुनियाद बनाया करता हूं कि एक अल्लाह का हक है नमाज, एक अल्लाह के बंदों का हक है अच्छा सुलूक, उसने सुलूक। इस दोनों को दोहराते दोहराते फिर आपने कहा अस्सला अस्सला अस्सला, आखिर में सिर्फ नमाज को ले लिया, आवाज कमजोर हो गई, और आखिर में कहा अल्लाहुम्मा रफीक अल अहल, अब तेरा साथ चाहता हूं, अपने पास बुला। तो जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए दो बड़ी चीजें, एक अल्लाह से ताल्लुक जिसमें इबादत और इबादत में नमाज, रोजा साल के बाद एक महीना, जकात और हज पैसे वालों पर, और हज भी पैसे वालों में से सेहतमंद पर, बीमार पर हज कोई नहीं चाहे मालदारी हो। नमाज एक ऐसी चीज है जो हर मर्द औरत उसमें से गुजरता है, और अल्लाह ताला ने उसकी 5 वक्त हाजरी तलब की है और किसी हाल में इसको माफ नहीं किया, और सारी कायनात की इबादत को इसमें अल्लाह ने जमा कर दिया है। पूरी दुनिया के दरख्त की इबादत क़याम है, उनकी नमाज खड़े होना है, सारे दरख्त खड़े होकर अल्लाह की तस्बीह पढ़ना है। चार पांव पे चलने वालों की जो नमाज है वो रुकू है, वो सब रुकू में अल्लाह को याद कर रहे हैं। जिनके पांव नहीं जमीन पे रेंगने वाले हैं उनकी नमाज सजदा है, उस सजदे में अल्लाह को याद करते हैं। और ये जो पहाड़ हैं टीले हैं इनकी नमाज अत्तहियात है, जो सब अत्तहियात में बैठे हुए अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं। परिंदों की नमाज ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उड़ना, ऊपर उड़ना नीचे आना और अल्लाह को याद करना, तो इसमें क्याम है, क्याम के बाद रुकू है, रुकू के बाद सजदा है, सजदे के बाद फिर खड़े होना है। तो नबातात जमादात हैवानात सबकी नमाज, सबकी बंदगी को अल्लाह ने नमाज की शक्ल में हमें अता फरमा दिया है। और हमारे नबी की मुस्तकिल आदत, कोई परेशानी आती थी फौरन नमाज पढ़ते थे, इदा हज़बहु अमरुन फज़ा इला सला, जो कोई तकलीफ आती थी फौरन आप नमाज की तरफ मुतवज्जे होते थे। और अल्लाह ताला ने भी नमाज के लिए जब मेराज पे मुलाकात हुई तो अल्लाह ताला ने कितनी नमाजें दी, 50 नमाजें, पता है अल्लाह ने क्या नहीं पढ़ेंगी, तो पांच नहीं पढ़नी है, बजा के तो पढ़ेंगे, तो अल्लाह को पता है कि ये नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन अल्लाह 50 दे रहा है, 50 क्यों दे रहा है, पहले ही 5 दे दे। नमाज की अहमियत बताने के लिए 50 नमाज, और अपने अल्लाह के नबी का मकाम तस्लीम और रजा के, जो अल्लाह कहे आमीन वो कैसा है, अल्लाह के नबी को भी पता है कि 50 नमाजें नहीं पढ़ी जा सकती 24 घंटे में, लेकिन ये नहीं कहा या अल्लाह कम कर, कहा जी ठीक है हाजिर, वो चल पड़े। हमारे नबी का मान जाना, सर झुका देना, जिसको तस्लीम और रजा कहते, इसमें ये शान नजर आती। और उधर अल्लाह की तरफ से नमाज की अजमत और अहमियत बताने के लिए ये 50 का अदद आता है। जब आप चल पड़े तो अल्लाह का तो पता है मैंने 5 देनी है, तो मैंने ये कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ा, ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। मुझे वैसे साथ ही ख्याल आता है कि अल्लाह ताला ने इंतजार किया होगा कि मेरा नबी कहेगा या अल्लाह कुछ कम कर, उन्होंने कहा नहीं मैं तो आमीन कहूंगा, ठीक है। तो जब वापस हो गए तो फिर अल्लाह ताला ने कहीं मूसा अलैहि सलाम को खुद ना खड़ा किया होगा, रोक रोक मेरा नबी 50 ले जाता है। मुझे लगता है मैं कहीं चूंकि पढ़ा नहीं, लेकिन बात मेरे दिल को लगती है, मैं कह देता हूँ वो कोई ऐसी मसला भी नहीं जिसमें कोई हलाल हराम जायज ना जायज कहो, तो इसलिए कहने में हर्ज भी कोई नहीं। मुझे लगता है कि अल्लाह ही नहीं कहा होगा मूसा को कि मेरे हबीब को वापस भेजिए तो 50 ले जाता है। तो आगे मूसा अलैहि सलाम खड़े हुए किसी और नबी से, जो और उससे भी मुलाकात वापसी पे पहले मुलाकातें हो गई थी, पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पे
यहया सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे पे यूसुफ, चौथे पे इदरीस, पांचवें पे हारून, छठे पे मूसा और सातवें पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम का अंदाज दुनिया में भी बड़ा था, लाड़ो प्यार वाला, अल्लाह ताला से लाड कर लिया करते थे, जिद कर लिया करते थे, तो शायद इसलिए अल्लाह ने उनको चुना कि जरा रोक मेरे नबी को, मुझे नहीं पता, गलत भी हो सकता ठीक भी हो सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह की मुलाकात जो हुई क्या हुआ? तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह 50 नमाजें मिली। तो कौन पढ़ेगा या रसूल अल्लाह, वापस जाओ, मेहरबानी करो। तो उनको वापस भेजा छठे आसमान से सातवां, सातवां से सिदरतुल मुंतहा। फिर उन्होंने अर्ज किया अल्लाह कुछ कमी हो जाए, तो अल्लाह ताला ने 45 कम करने की बजाय 5 कम की। अच्छा मेरा नबी 5 घटा दे। फिर वापस फिर आगे मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए। अब अल्लाह ने खड़ा किया या खुद खड़े हुए तो अल्लाह ही जानता है। तो या रसूल अल्लाह क्या हुआ? कहा 5 कम हुई है। कहा ना ना ना, बहुत ज्यादा है। वापस 9:45 9 चक्कर लगवाए, आना जाना आना जाना आना, अगरचे वो एक पल में हो रहा था, लेकिन सफर देखो छठे से सातवां, सातवें आसमान से सिदरतुल मुंतहा, मसाफत के लिहाज से तो वो करोड़ों साल की मसाफत तय हो रही थी लम्हे में। 9 चक्कर आने जाना एक, और अगर आना अलग चक्कर जाना अलग, तो 18 दफा। और 5 की कमी हो रही है। ये नमाज की अजमत बताने के लिए कि आइंदा आने वाले जमानों में अल्लाह को देख रहे थे कि नमाज छूट जाएगी। जब 5 रह गई तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम खड़े, या रसूलल्लाह क्या हुआ? कहा भाई 5 का नहीं नहीं बहुत ज्यादा है, वापस जाए। क्या लेकिन अब मुझे शर्म आती है, 5 कम हो रही हैं, अब गया तो ये 5 चले गई तो फिर मेरी उम्मत का क्या बनेगा? कहने अब मुझे शर्म आती है, मैं नहीं जाऊंगा। या रसूलल्लाह फिर देख ले, मेरी उम्मत पे 2 नमाजें फर्ज थी, उन्होंने कोई नहीं पढ़ी, तो ये 5 कैसे पढ़ेंगे? जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने सारे लंदन को पहले देख लिया था, ये 5 कैसे पढ़ेंगे? बनू इसराइल पे 2 नमाजें फर्ज थी, फजर की 2 रकात, असर की 2 रकात, और वो भी बाजमात नहीं थी अपनी अपनी। तो अल्लाह ताला ने 5 घटाई। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम को पार कर गया, कहा नहीं मैं नहीं अब वापस जाता, तो फिर अल्लाह की आवाज है, मेरे महबूब तुम्हारी उम्मत के पढ़ने की 5 और मेरा वादा वही, मेरा बोल वही, मैं लिखूंगा 50, हर नमाज को 10 गुना करके मैं लिख दूंगा। तो 5 पे 50 लिखी जाएंगी रोजाना। हर घर में कोई बच्चा बच्ची मर्द औरत बेनमाजी ना। जॉब का मसला है तो अब तो यहां वो दौर नहीं है कि आपको कोई नमाज ना पढ़ने दे। नमाज का एहतमाम रखो, चाहे अपनी शॉप है चाहे जॉब है, नमाज के लिए मर्द कोशिश करे, मस्जिद करीब है तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़, मस्जिद दूर है तो अपनी दुकान में नमाज का एहतमाम करें, इंतजाम करें, ये इबादत है। फिर उसके साथ कुरान की तिलावत, फिर अल्लाह ताला तहज्जुद की हिम्मत दे दे तो सर्दियों में तो आपके लिए तहज्जुद पढ़ना बहुत आसान है, लंबी रातें सो सो के आदमी थक जाते। और अल्लाह के नबी चूंकि सिर्फ ताकतवर लोगों के नबी नहीं थे, कमजोरों के नबी भी थे, तो आप बड़ी आसानियां लेकर आए। एक आदमी कहता है जो मुझसे नहीं सुबह उठा जाता पिछली रात, कोई बात, आप सोने से पहले 2 नफल पढ़ लो, 4 पढ़ लो, भी आप तहज्जुद गुजारों में आपका शुमार होगा, वो भी तहज्जुद है। सोने से पहले 2 नफल पढ़ ले, 4 पढ़ ले, 6 पढ़ ले, तो उसको भी तहज्जुद गुजारों में लिखा जाएगा। और इससे भी आगे बताऊं, एक आदमी ने इशा की नमाज बाजमात पढ़ी, फजर की बाजमात पढ़ी और नहीं उठ सका तहज्जुद में, वो रात सारी उसकी इबादत में लिखी जाती है। दूसरा जिंदगी का जो जुज है, जो अल्लाह के बंदों से मामला, जिसको हुकूकुल इबाद कहते हैं, उसको अल्लाह की तरतीब के मुताबिक चलाना और चलना,
ये दो काम इकट्ठे होंगे तो जिंदगी खुशहाल और खुशनुमा बनेगी, ये नहीं होंगे तो पैसे से नहीं बनते। अल्लाह के बंदों से वो रवैया इख्तियार करना जो अल्लाह उसके रसूल ने कहा। तो सबसे पहले घर चलता है मियां बीवी से, एक जोड़ा शादीशुदा है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेहतरीन मुसलमान वह है जो बीवी से अच्छा सलूक करे। और औरत के बारे में फरमाया कि जो औरत 5 नमाजें पढ़े, महीने के रोजे रखे, अपने खामिंद की इताअत करे और बदकारी से बचे, तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे। तो ये दोनों आपस में कैसे चलें, इस पर खुशी का दारोमदार है। ये दोनों आपस में इनका रवैया कैसा हो, इस पर इनकी खुशी और इस पर इनके दुख का दारोमदार है। अगर ये अल्लाह उसके रसूल की तरतीब के मुताबिक दूसरे के साथ मामला कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल की तरतीब क्या है कि अच्छाइयों की हौसला अफजाई करो और कमियों से आंखें बंद कर। हमारी घर में तरतीब क्या है कि कोई खूबी नहीं देखनी, सिर्फ कमी को ही पकड़ना है। 10 काम अच्छे किए, एक गलत हो गया तो 10 पे काटा और उस एक को पकड़ के बीवी खामिद को कोस रही, खामिद बीवी को कोस रहा है। हालांकि अल्लाह ने भी काउंटिंग रखी है, परफेक्शन नहीं रखी। कहे हम तो उनसे 100 नंबर नहीं मांगते। दुनिया में भी हमने हर बड़े से बड़े टेस्ट को पास करने के लिए कहीं भी 100 नंबर की डिमांड कहीं भी नहीं। अगर आप 5 मार्क्स ले लें तो हम आपको डिग्री दे दें। और हमारे पाकिस्तान में तो बहुत काम शौक है, 33 नंबर ले लो तो डिग्री ले। 33 नंबर, 67 नंबर जाय कर दिए, इस पर हुकूमत गिला नहीं देती। शाबाश दिया, आपकी डिग्री है, आप पास हो चुके हैं। तो अल्लाह तो हुकूमत पाकिस्तान से ज्यादा मेहरबान। तो अल्लाह ताला ने भी 5 मार्क्स का मुतालबा किया, 100 नंबर नहीं मांगे, 100 नंबर नहीं मांगे। एक दफा मैं, ये मुझे बात कहां से अल्लाह ने दिल में उतारी, आदमी ठोकरों से ही सीखता है। एक दफा एक आदमी ने ना मेरे ऊपर इतनी चढ़ाई की ना कि तुम तबलीग वाले ये हो, मुनाफिक हो, तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियां, तुम्हारे अंदर में ये, तुम्हारा बाहर कुछ, तुम्हारा अंदर कुछ। वो आया था मेरे डेरे में, मेरा मेहमान है, मैं कैसे बदतमीजी कर सकती हूँ। मैं तो आम आदमी से बदतमीजी करने का हुक्म नहीं, तो मेहमान का तो बहुत बड़ा हक है। लिहाजा मैं चुप करके सुनता रहा, सुनता रहा, पसीना पसीना हो गया मैं, सर्दी का महीना। इतनी गलत जुबान उसने इस्तेमाल की। तो जब वो उसका गुस्सा बिल्कुल खत्म, ठंडा ठंडा हो गया, तो उस वक्त पहली दफा ये मजमून मेरी जबान पे अल्लाह ने उस वक्त जारी किया, उसे पहले कभी इधर ख्याल ही नहीं किया था। उसने जो रगड़ा दिया तो अल्लाह ने एक बात समझा। मैंने कहा मेरे भाई, ये जो हुकूमत है पाकिस्तान है ना, ये कोई इतनी अच्छी कोई मिसाली हुकूमत नहीं है, लेकिन ये भी अपनी रियायत के लिए इतनी मेहरबान है कि इसने 33 नंबर लेने वाले को पास कर दिया है और 67 नंबर जाये करने पर कोई लानता नहीं। तो इंशाल्लाह, मैंने कहा मेरा अल्लाह इस हुकूमत से ज्यादा मेहरबान है। मुमकिन है कोई ऐसे नंबर हम ले जाएं कि जिसपे अल्लाह पास कर दे और कमियों से दरगुजर कर दे। क्योंकि जिस अल्लाह ने हमसे हिसाब लेना है, उसने भी ये नहीं कहा 100 में से 100 ले रहा हूं मांगता हूं। उसने कहा फमन फकुलत मवाज़ीनुहु, जिसकी नेकियां उसके गुनाहों से ज्यादा हो गई माफ। और ये हमारे अपने इलाके का वाक्य है। एक जिम्मेदार थे बड़े, तो वो गालियां बहुत देते थे और जिक्र भी बहुत करते थे। सुभान अल्लाह के साथ माँ की गाली, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ बहन की गाली। एक मिसाल, बहुत गालियां और जिक्र भी बहुत ज्यादा, हर वक्त मन के मन का ठा मन। जब उनका इंतकाल हुआ तो किसी ने उनको देखा तो उनसे पूछा, मियां साहब आप तो गालियां बहुत देते थे, आपके साथ क्या बनी?
बाकायदा उसने ये सवाल किया, तो कहने लगे कि अल्लाह ने मेरी गाली और मेरा जिक्र तोला तो मेरा जिक्र बढ़ गया तो मेरी जान बच गई। तो अल्लाह ताला ने परफेक्शन नहीं मांगी, काउंटिंग है कि अगर तुम अपनी नेकियां गुनाहों से ज्यादा ले आते हो तो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, अगर तुम्हारे गुनाह बढ़ गए नेकियों पर तो फिर अल्लाह ने कहा कानून ये है कि मैं तुम्हें सजा दूंगा और बाकी मेरी मर्जी में जिसको चाहे माफ कर दूं। और नूर जहां मरहूमा फौत हुई ना 27 रमजान शब कदर रमजान, तो कई अल्लाह जी वेखो जी नूर जहां 27 रमजान नु मर के मैं क्या अल्लाह तो मुकदमा करो अल्लाह पे केस कर दो। फिर बात हो नजा एक शिरक माफ नहीं करूंगा बाकी जिसे चाहूं माफ कर, तो अब तुम ऐसा करो अल्लाह पे केस करो। एतराज वाली तबीयत फिर कहां तक चली जाती। उसने कहा है ए बस शिरक माफ नहीं है बाकी मेरी मर्जी जिसको चाहूं माफ कर। तो कभी किसी की कमी देखकर उसकी हकारत दिल में न लाना। मेरे नबी ने फरमाया बेहसब इमरिन मिन अश्शर अन यहकर अखाहुल मुस्लिम, किसी इंसान के बुरा होने के लिए इतना ही काफी है कि औरों को हकीर समझता हो, घटिया समझता हो। तो भाइयों घर में खुशहाली लाने का पहला सीना यह है कि आपस का मामला ठीक करो, कमी ऐसी हो जैसे दिखाई और खूबी हो तो हौसला अफजाई करो। एक पीर साहब गए अपने मुरीद के यहां खाना खाने, तो उनकी बेगम ने खाना बनाया तो पीर साहब को पसंद आया, तो उन्होंने कहा जरा तो अपनी बेगम को बुलाओ। तो आ गई, कहा बेटी तेरे हाथ का खाना खाया बहुत अच्छा था तो तेरा शुक्रिया अदा कर रहा। तो वो जारो कतार रोने लगी। तो पीर साहब बड़े हैरान हुए कि इसमें रोने वाली क्या बात है। तो उन्होंने कहा बेटी इसमें रोने वाली क्या बात है, कहीं आपके मरीज साहब के घर मुझे 30 साल हो गए हैं, इसने एक दफा कभी मुझे शुक्रिया नहीं कहा कि तूने आज अच्छा खाना बनाया। कोई ना कोई ऐ बिकड़ा है लून घटते आज मर्चा बढ़ते। तो हौसला शिकनी ये जिंदगी को खत्म कर दे, जो लाइफ क्वालिटी जीरो हो जाती। लाइफ देखो जिंदगी एहसासात का नाम है, जिंदगी चीजों का नाम नहीं है, जिंदगी एहसासात का नाम है। और एहसास तो तुम मैयत को ताज पहना दो या मैयत को नंगा कर दो उसके लिए क्या है बराबर। ये जिस्म तो एक मिट्टी का ढेर है, इसको सोने के तारों का लिबास पहना दो या टाट का लिबास पहना दो, अंदर जो एहसास है वो जिंदगी है। देखो ना एक आदमी की उंगली कट जाती है लेकिन वो मौजूद है, क्योंकि जिस्म का एक हिस्सा गया है, रूह मौजूद है, लिहाजा वो जिंदा है। आज एक साहब आए पांव भी कटा हुआ, दूसरा पांव भी कटा हुआ, लेकिन जिंदगी अंदर की रूह का नाम है, वो मौजूद है। तो एहसासात जब जख्मी होते हैं तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और एहसासात जब परवान चढ़ते हैं तो जिंदगी खुशहाल हो जाती। और एहसासात को तोड़ने वाली चीज वो रवैया है, वो सुलूक है, और एहसासात को परवान चढ़ाने वाली चीज भी आपस का सुलूक और रवैया है। अल्लाह के नबी घर में तशरीफ लाए, हज़रत उम्मे सलमा के घर में, खाने को कुछ नहीं था, और खामिद और अल्लाह के रसूल जैसा, और वहां के खाना पूछे और बीवी कहे खाना कोई नहीं, तो उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। तो अल्लाह के नबी तशरीफ लाते हैं, पूछते हैं उम्मे सलमा कुछ है खाने को। अब वो इंतहाई बेबसी के आलम में कहते हैं या रसूल अल्लाह कुछ नहीं, बस सिरका पड़ा है, सिरका। सिरके का आप एक छोटा सा ड्रॉप रखो जबान पर तो अंदर तक उसकी खटास चली जाती और गला छिल जाता, और मैं तो
एक ड्रॉप मेरी जबान पर रखो, एक हफ्ता मुझे नजला मेरी जान नहीं छोड़ती। कोई खाने की चीज नहीं है। तो अब आपने देखा कि उम्मे सलमा पर नदामत है, सुभान अल्लाह, वाह। तो आपने कहा अच्छा नेमल इदाम अल खल, हमने कहा उम्मे सलमा सिरके जैसा तो सालनी कोई थी, बोल 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 क्या कमाल है। उनको एकदम उस एहसास से बाहर निकालो कि बला सिर का सालन बन सकता है, दो लुकमे नहीं खाए जा सकते उस। और मेरे नबी ने कहा नेमल इदाम अल खल, उम्मे सलमा सिरके जैसा तो कोई सालन है ही नहीं। हौसला अफजाई फरमाए, ये भी तो कह सकते थे इतनी गाफिलत तो यह नहीं पता था मैं आ रहा हूं, किसी पड़ोसी से सालन लेके आ जाती, क्या मसला था, सुबह पे नहीं खाई, अब भी मेरा तुमने कोई ख्याल नहीं। एक जिंदगी समझानी थी ना, नेमल इदाम अल खल, एक दूसरे की हौसला अफजाई। कोई इंसान वो इंसान ही नहीं जो कमियों से पाक हो, तो फिर या फरिश्ता है या नबी है। तो इंसान कमियों के साथ ही चलता है, और जब तुम कहते हो मैंने कबूल किया तो उसको सारी कमियों के साथ तुम कबूल कर रहे हो, और जब लड़की कहती है मैंने कबूल किया तो वो सारी कमियों के साथ उसे कबूल कर रही है। तो लिहाजा कमियों को साथ लेके कबूल कर, यानी कि कमियां निकाल के नहीं, उस समय कबूल करना है। तो जिंदगी जो परवान चढ़ेगी वो मेरे भाइयों बहनों आपस के सुलूक से परवान चढ़ेगी। और अगर घर की बुनियाद को मजबूत करना है तो हमारे जब बुनियाद थोड़े तक घर ही होते ना लकड़ दे चल भाई खड़े की थे बाढ़, हमारा तो घर बनते हैं तो पहले बुनियाद खोते हैं, तो उसमें इतना लोहा डालते हैं, इतना लोहा डालते हैं कि फिर उसको ऊपर उसको उसको ऊपर प्रेस करते हैं, प्रेशर डालते हैं, तब जाकर इमारत खड़ी होती है। अगर आप अपने घर को खुशहाल देखना चाहते हैं तो अपने आप को बुनियाद बना लें और बर्दाश्त करना सीखें। जितना आप बर्दाश्त करते जाएंगे आप निखरते जाएंगे, निखरते जाएंगे, निखरते जाएंगे, आप अपनी जात में निखरते जाएंगे। हमेशा बर्दाश्त से चीज बनती है, जिसम को खूबसूरती भी बर्दाश्त से मिलती है। क्या वेट उठाते हैं और मसल उसको सहता है तो उभरना शुरू हो जाता है। वेट उठाने से मसल बनते हैं कि नहीं बनते, कोई गलो या क्यों क्यों हम क्यों वेट उठाए, हमारे तो मसल दबा हो जाएंगे, तुम उठा के देखो। नहीं कोई वजीफा दसो, वजीफे डालो लोग जी, कोई वजीफा बताओ जी घर में खुशी आ जाए। मन का वजीफों से खुशी आ सकती है घर में, अपने रवैये ठीक करो उससे घर में खुशी आएगी। वो एक मुझसे बहुत असर बोलिए असर पूछते हैं जी आपका हाफजा बड़ा अच्छा है, आपको आपने कोई वजीफा पढ़ा है। या कवि के तुम 1000 तस्वीर पढ़ के या कवि ताकत देने वाले, फिर अपना मसल देखो तो कोई वो पढ़ेगा। हर चीज की एक तरतीब, उस तरतीब से वो चीज मिलती है। तो घर को घर की बुनियाद बन रही, मियां बीवी पे घर की बुनियाद। आदम और हवा मियां बीवी आए थे, फिर आगे नसल आगे चली, आदम और हवा मियां बीवी आए थे, तो इनकी जिंदगी में खुशी आए एक दूसरे की बर्दाश्त करना। हीरा क्या है, कोयला ही तो है, सहते 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 जब आखिरी हद पे आता है तो अल्लाह उसे चमका के हीरा बना देता है। इंसान जब अपनों की गैरों की सहता है, बर्दाश्त करता है, तो फिर चमक के अल्लाह ताला उसे नूरानी बना देता है, वो उसे औरों के लिए हिदायत का सबब और जरिया बना देता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं तो बड़ा जलाली और गुस्से वाला, तुमने मुझे नबी कैसे बना दिया। मुसलमान अल्लाह से बड़े लाड किया करते थे, अल्लाह ने कहा ना कहने के अल्लाह मैंने तुम्हें देखना है, अल्लाह ने कहा नहीं देख सका, नहीं एक बारी तब देखना। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये मूसा ही थे जो जिद कर गए, मेरे जैसा होता तो कभी ये हिम्मत ना करते कि
कि अल्लाह कहे नहीं और वो कहते हाँ, नहीं एक दफा तो देखना है। तो ये अल्लाह भाई तो बड़ा गुस्से वाला था, मुझे नबी कैसे बनना था। तो अल्लाह कहने लगे जब तू शुएब की बकरियां चलाता था तो एक बकरी भाग पड़ी, तू उसके पीछे भागा और तुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा गया, काबू में आते ही एक डंडा इसकी कमर पे मारना, इसकी कमर तोड़ देनी। तो भाग भाग भाग, उसने तुम्हें बहुत थकाया और जब वो तूने उसको पकड़ लिया तो तूने उसको डंडा मारने के बजाय उसके पांव दबाने शुरू कर दिए, कमली तूने मुझे भी थकाया खुद भी थकी। कि मत तेरी ऐ गल चंगे लेके मैं नबी बना था, एक बकरी की बर्दाश्त कर। तो अगर आप कोई खातून ये चाहे कि मेरा खामिन मेरा बन जाए, खामिन ये चाहे मेरी बीवी मेरी बन जाए, एक दूसरे की बर्दाश्त शुरू कर दो, एक दूसरे की तारीफ शुरू कर दो। लेकिन बीवी खामिन से 100 नंबर की डिमांड करे, खामिन बीवी से 100 नंबर मांगे तो ये घर आबाद नहीं हो सकता। एक दूसरे को कबूल करना है कमियों के साथ, कमियों के साथ कबूल किया है तो उसको फिर निभाना है। इबादत 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 हमारी बुनियाद बनेगी, हमारी इमारत बनेगी। इमारत के बाद आप देखते ना फिर उसके ऊपर जो बाद में जो पेपर लगते हैं और फिर सारा उसके उसके डेकोरेशन होती है, ये वो खूबसूरत रवैये हैं जिससे आप अपने घर को खुशहाल बना सकते हैं। कुछ भी ना हो घर में लेकिन आपके घर में खुशी होगी कि आपका रवैया एक दूसरे के लिए ठीक है और आपका रवैया एक दूसरे के लिए बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र छोटी थी तो मदीने की लड़कियों को खुद बुलाते थे कि आओ आयशा के साथ खेलो, खुद बुलाते थे। और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी के घर में भी खिलौने घोड़े रखे हुए थे, वो जो मिट्टी के घोड़े, और उनसे खेलती थी तो आप उनकी हौसला अफजाई फरमाते थे, यो तूने बुत खड़े कर दिए तोड़ो फरिश्ते निकल जाएंगे। ऐसा एक दफा आ गए हबशी, हबशा के लोग इथोपिया के, वो मस्जिद में ना वो कर रहे थे, उससे उनका एक रक्स होता था, उनका अपने इलाके का रक्स जो वो करते थे तलवारों के साथ, बर्छों के साथ, बर्छा छोटा होता, तो उनकी वो ठा ठा की आवाज आई तो आयशा को पता चला कि वो हबशी खेल रहे हैं, रक्स कर रहे हैं। तो उन्होंने अर्ज किया रसूलुल्लाह मैं देखना चाहता हूं। तो आप ये भी तो कह सकते हैं तो नबी की बीवी है और तो ये क्या खेल तमाशा देखती, चल बैठ के कुरान पढ़। हम कहा अच्छा चलो आओ आओ। तो आप दरवाजे में खड़े हो और आयशा को पीछे खड़ा किया तो आपकी ओट में होकर कहो देखो अब देख रहे हैं, खड़े 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 अल्लाह के नबी थक के कभी यूं हो जाते फिर कभी यूं हो जाते, एक पांव पे खड़े होकर खड़ा कर फिर दूसरे पांव पर ऐसे हो जाते, फिर कहेंगे आयशा बस न करें कि नहीं अभी मेरा दिल नहीं भरा, अच्छा ठीक है। फिर खड़े हुए कभी यूं हो रहे हैं कभी यूं हो रहे हैं कभी यूं हो रहे हैं और ये काबा कौसैन औ अदना है। अल्लाह के बाद अगर कोई हस्ती है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां तक के हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा खुद थक के पीछे हटी तो आप वापस हुए, आपने नहीं कहा बस करो। ये रवैये हैं, तीन दो दो महीने घर में चूल्हा नहीं जल रहा लेकिन बीवियां खुश हैं कि खामिद का सलूक अच्छा, खामिद का रवैया अच्छा। आला तरीन चीजें घर में भर दें लेकिन आपस में दोनों के बोल गलत हों, रवैये गलत हों तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बीवी बार बार खामिन को टोके, बार बार उसकी कमियों को छेड़े तो जिंदगी की लाइफ क्वालिटी खत्म हो जाएगी। खामिन बीवी को बार बार टोके, उसकी कमियों पर उसे पकड़े और ताने दे तो लाइफ क्वालिटी खत्म हो जाएगी।
अरे मैं आ रहा था तो एक नौजवान मिला, कहा लोगों में महबूब बनने का कोई वजीफा बताए। हमारे मुल्क में वजीफे पूछने का बड़ा रिवाज है, काम कोई नहीं करना वो कोई वजीफा दसो। अरे तुम्हारे रजी अल्लाह तआला ने जुमा पढ़ा के निकले तो कुछ नौजवान एक कोने में बैठे थे। आपने कहा कौन लोग हो? कहा जी हम यकीन वाले हैं। कब तुम्हारी ऐसी तैसी? लाठी उठाई और उनकी पिटाई शुरू कर दी कि तुम यकीन वाले हो, तुम कहोगे कि आसमान से सीधी रोटी तुम्हारे ऊपर गिरे, निकल जाओ, अल्लाह ताला कहता है नमाज पढ़ के जाओ, मेरा रिस्क तलाश करो, आज के बाद कोई यहां नजर आए तो उसकी ठुकाई करूंगा ऐसे ही। आसमान से सोना चांदी नहीं बरसता, पानी बरसता है, फिर जमीन में जज्ब होता है, फिर जिम्मेदार दाना डालता है, फिर अल्लाह उसे उगाता है। को महबूब बनने का वजीफा बताओ। वजीफा कोई नहीं, छोटा सा अमल का सबसे मोहब्बत करो और किसी का बोगस दिल में ना रखो और किसी की कमियां कमी पर उसे हकीर ना जानो, लोग तुमसे मोहब्बत करें, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन इस कायनात का लाजमी कानून है। सर मैंने ये जो हाथ हिलाया है इस पर कितनी हवा रिएक्ट होकर मेरी तरफ आई है, जो उधर गई है कुछ इधर आई, हर एक्शन का रिएक्शन लाजमी है। अगर मैं लोगों को हकीर समझूंगा तो मोहब्बत की तवक्को छोड़ दू। कदम कदम पे बीवी मुझे टोके फिर कहे मेरा खामिन मुझसे मोहब्बत करे, मैं कदम कदम पे बीवी को टोकूं फिर मैं कहूं मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा एक्शन होता है वैसा रिएक्शन होता है। तो अल्लाह के नबी ने 11 शादियां की, कोई औरतों का शौक लग गया था, औरतों का शौक होता है तो 25 साल का नौजवान 40 साल की औरत से शादी क्यों करते, और वो औरत जिसके 2 शादियां पहले हो चुकी हैं और हर एक से औलाद है, हर एक से औलाद, अब 25 साल 40 साल 15 बरस का फर्क, और पूरी भरपूर जवानी 50 साल की उम्र तक जो होती है एक औरत के साथ गुजार, और 50 साल के बाद शादियां शुरू की तो इकट्ठी 10 कर दी, 13 बरस के अंदर 10 शादियां। ये सब हिकमत थी, अपना सुलूक दिखाना था, अपना रवैया दिखाना था कि घर वालों के साथ कैसे जिंदगी गुजारी जाती है, यह रवैया दिखाना। आपकी आदत मुबारक थी असर के, चूंकि आपके 9 घर मौजूद थे, 2 तो फौत हो गई, आपके 9 मौजूद थे तो आप असर की नमाज पढ़ के रोजाना हर बीवी के पास जाते थे, असर के बाद सबसे मिलते थे, सबसे मिलते थे, फिर जिस घर में थे उसमें आ जाते, और मगरिब की नमाज पढ़ती सारी बीवियों को उस घर में बुलाते थे जिसमें होते थे, सबसे पहले फर्दन फर्दन उनके पास मुलाकात करना हाल, फिर सबको जमा करके उनसे इज्तमाही तौर पर हाल लेना, फिर उनको रुख्सत करना, घर में फाका और सब बीवियां खुश। क्यों खुश हैं? जबान का बोल ठीक है, अखलाक अच्छे हैं। आपने फरमाया जो लोग अपनी औरतों पे हाथ उठाते यानी मारते हैं उनमें कोई भलाई नहीं जो औरतों पे हाथ उठाते, और आपने फरमाया जिस औरत पर उसका खामिद नाराज हो तो सारी रात अल्लाह की रहमत से वो दूर रहती, सारी रात अल्लाह की रहमत से वो दूर रहती। तो जान बहन को इंतहाई बैलेंस करके मेरे नबी ने चलाया। फिर यहां भी अब चूंकि तीसरी चौथी नस्ल आ गई है तो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम बना हुआ है, तो पीछे मां बाप होते हैं, पीछे मां बाप होते हैं, आगे औलाद होती है, और बीच में मियां बीवी होते हैं, पीछे मां बाप के अपने तकाजे होते हैं, औलाद होती है उनके अपने तकाजे होते हैं, मियां बीवी के आपस के अपने तकाजे होते हैं। इन सब में अगर हम अल्लाह उसके रसूल की तरतीब पर चलेंगे तो आप बड़ी खुशी की जिंदगी गुजार सकते हैं। मेरे मां बाप का मेरे ऊपर पूरा हक है, मेरी बीवी पर कोई नहीं है, मां बाप की खिदमत मेरे जिम्मे है, मेरी बीवी के जिम्मे नहीं है, लेकिन मां बाप की मुदाखलत इतनी हो जाती है कि घर टूट जाते, तलाकें हो जाती। मैं जिस दिन आ रहा था रात को लाहौर में तो 1 बजे फ्लाइट 3 बजे फ्लाइट थी तो सोना क्या था, तो मैं रात था तो एक बच्ची का फोन आया, वो हज में हमारे साथ थी, तो मैंने उसको कहीं
एक दो दफा बेटी कह दी, कहा मौला आपने मुझे बेटी कहा था तो मैं अपना दुखड़ा आपको सुनाना चाहती हूँ। कहा बताओ बेटा। कहा मैं और मेरा खामिद आपस में बहुत मोहब्बत है लेकिन मेरा ससुर मुझसे नफरत करता है। वह कहता है इस बेगैरत को मेरे घर से निकाल दे। इतना कहा कि अब मेरा खामिद मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ के चला गया और पता नहीं कब तलाक हो जाए, पता नहीं कब तलाक हो जाए। अब मेरा घर बचा ले, अब मेरा घर बचा ले। इतना माँ बाप का दखल ये जिंदगियों को तबाह और बर्बाद कर देता है। अल्लाह ने हर एक को देखो ना कितनी ट्रैफिक चल रही, लेकिन जब आप लेन में चलते हैं तो कहीं ट्रैफिक फंसती नहीं, आराम से गुजर जाती। और जहां पाकिस्तान में ट्रैफिक इतनी कोई नहीं, लेकिन वो आपस से फंस जाते हैं, दखल होते हैं, सारी राह टपा दें, राह नहीं देंदे। तो ऐसा ही अगर फैमिली में ऐसा होने लगे कि मैं अपने लेन छोड़कर बेटे की लेन में दाखिल हो जाऊं, बहू की लेन में दाखिल हो जाऊं, तो मैं ट्रैफिक जैम कर लूं। अगर मैं अपने रास्ते पर रहूं तो 10 बच्चे भी हों तो घर खुशहाल होगा, अगर मैं अपने रास्ते से हटूंगा तो मैं एक बच्चा भी होगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। एक जगह लाहौर यूनिवर्सिटी है, एक UMT, मैंने वहां बयान किया, तो उसके बयान के बाद एक बच्ची का पैगाम आया कि आपसे मिलना चाहती हूं। तो बराबर वाले कमरे में वो थी, तो मैं वहां चला गया तो वो जारो कतार रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही है? आप बहुत हकूक बयान करते हैं, अखलाक बयान करते हैं, लेकिन कभी आपने मुतल्लका लड़कियों के बारे में तो कुछ बयान नहीं किया। पहली दफा मुझे उस बच्ची के उस बोल से करंट लगा कि वाकई मैंने इस मजमून को कभी बयान नहीं किया था। तो मैंने कहा तुम तलाक याफ्ता हो? जी मुझे तलाक हुई, बिल्कुल जवान थे। मैंने कहा क्या तलाक की वजह? कुछ भी नहीं, मैं अपने ससुर को पसंद नहीं आई। हम मियां बीवी बहुत खुशहाल थे लेकिन मेरा ससुर कहता है मैंने चंगी नहीं लगती, तलाक दे। तो आखिर 3 साल के बाद मेरे खामिद ने मुझे तलाक दे दी। फिर मैंने हदीस तो मैंने पढ़ी थी, बयान से निकल गई थी, मैंने इस हदीस को बयान करना शुरू की कि आपने फरमाया तुम्हें बताऊं सबसे आला दर्जे का सदका क्या है, सबसे आला दर्जे का सदका क्या है? तो साहब ने कहा जी क्या? अल इब्नतुल मर्दूदा, जिसकी बच्ची को तलाक हो गई और वो उजड़ के घर आ गई, उस पर खर्च करना सबसे आला दर्जे का सदका। क्योंकि माँ बाप भी बोझ समझते हैं, भाई भी बोझ समझते हैं। तो जो उस पर खर्च करेगा, आपने फरमाया सबसे आला दर्जे का सदका उस बच्ची पर खर्च करना। और आपकी शादियों में सिर्फ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुंवारी हैं, बाकी सब या मुतल्लका हैं या बेवा हैं, या मुतल्लका हैं या बेवा हैं। तो मेरी एक हद है, उसके अंदर मैं हूं तो मैं सुखी, मेरे साथ वाले सुखी। अगर मैं हद क्रॉस करूंगा तो मैं जिंदगी खराब करूंगा। हमारे पड़ोसी जिम्मेदार हैं हराज, दुनियावी लिहाज से पढ़े लिखी कौम नहीं, वैसे जिम्मेदार बड़े हैं। तो मैं एक बच्चे की गया शादी में, उसका निकाह मैंने पढ़ाना था, तो उसके वालिद की बात सुनकर मैं हैरान हो। वो कहने लगा मौलाना साहब मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि देखो हम जिंदगी गुजार चुके हैं और ये नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं, तो तुम ऐसा करो इसके लिए पहले घर अलग बनाओ, फिर इसकी शादी करो और इसको वहां उस बच्ची की डोली लाओ ताकि हम दोनों मियां बीवी उनकी जिंदगी को खराब न कर बैठे। मैं तो हैरान ही हो गया, एक अनपढ़ औरत ने ये कहा। हालांकि पहले सास ससुर का ज़हन होता है कि हुन साड़ी खिदमत वास्ते हक आ गई, वो पहले ही उसको अपनी खादिमा बना के लाते और खामिद से ज्यादा वो हक जीत लाते। और तकरीबन 100% ससुराल के अखलाक जालिमाना है, 100 में से 100 घर जुल्म ही जुल्म। कोई लाखों घर इकट्ठे करो तो शायद किसी 2-4 घरों में ऐसा होगा कि जहां बहू को इज्जत दें ससुराल, वरना सिवाय लानतान के और कुछ नहीं, दीनदार भी देखे दुनियादार भी देखे। तो अल्लाह ताला ने मेरे मां बाप का मेरे ऊपर हक रखा, मेरे जिम्मे, और बेशक बहुत बड़ा हक रखा है।
लेकिन ये नहीं कि वो मेरे घर को खराब करे। तो माँ बाप की वजह से बीवी पे ज्यादती ना होने दो, बीवी की वजह से माँ बाप पे ज्यादती ना। ये केसेस कम है, वो ज्यादा है। मुझे यहाँ की मुआशरत का नहीं पता, पाकिस्तान की मुआशरत बता रहा कि माँ बाप ने अपने बच्चे की जिंदगी को तलख कर दिया अपने हरवाइयों की वजह से। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आने वाली लड़की की वजह से माँ बाप मुतासर होते हैं, लेकिन ये केसेस बहुत थोड़े हैं। ये पहले केसेस बहुत ज्यादा हैं कि ससुराल सास ससुर खास तौर पे, फिर उसकी बहनें। अभी हज में, इस हज में एक बच्चा बच्ची बिल्कुल 25-23 साल की उम्र लड़के की होगी, 18-19 साल लड़की की, वो हज में मेरे साथ थे। मैं जुनैद जमशेद के साथ मैं हज किया करता हूँ, तो अरफात में मेरे साथ माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत उसकी दाढ़ी गाजी, मेरा घर बस मैंने अब खत्म कर देना है, मैं अपनी बीवी से तंग आ गया हूँ। तो बस जी वो उसके अखलाक अच्छे नहीं हो। मैं कह तुम ऐसा करो, जब हम हज से फारिग हो जाए ना, फिर तुम मुझसे मिलना, जब हम मीना से चले जाएंगे मुझसे आके मिलना। तो मैंने कहा अपनी बीवी को साथ लेके आना। तो दोनों मियां बीवी मेरे पास आ गए। तो मैंने कहा अच्छा अब बताओ तो मैं इससे क्या शिकायत। तो उसको जाती एक शिकायत भी नहीं थी, जी मेरी माँ ये कहती है, मेरा अब्बा ये कहता है, नहीं मेरी माँ के साथ ये किया, मेरे अब्बा के साथ ये किया, मेरी बहनों के साथ ये किया। एक चीज ऐसी नहीं थी कि जो कहे कि मेरे साथ इसने ये किया। और उस बेचारी रो 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 उसका बुरा हाल, जो तलाक तक नौबत पहुंच चुकी थी। अल्लाह ने उसके घर को आबाद रखना था, मुझे अल्लाह ने जरिया बनाया। मैं अगर बीच में ना पड़ता तो उसने जाते अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। अब इसने 3 साल बेशक, एक साल तक बचा नहीं हुआ, तो सास ने क्यामत कायम कर कि कैसी मनहूस आई है, कैसी मनहूस आई है, कैसी मनहूस आई। साल के बाद जब टेस्ट हुए तो पता चला फॉल्ट तो बेटे का है, तो फिर वो केसट बदल गई। अल्लाह की तकदीर है, राजी रहना चाहिए। अल्लाह की तकदीर है, राजी रहना चाहिए। पहले अल्लाह की तकदीर नहीं थी, अब अल्लाह की, चूंकि बेटे पे आ गई ना बात, अब तो मेडिकली प्रूव हो गया कि फॉल्ट बच्चे में, बच्ची में कोई फॉल्ट नहीं है। अब अल्लाह की तकदीर है भाई, राजी रहना चाहिए, अल्लाह की तकदीर है। तो अगर अल्लाह ने सास ससुर बनाया है तो ऐसे मत बनो कि अब उस अपनी बहू को अपने ताबे करना चाहो। हमारी एक धोबन थी मासी शरीफा, बेचारी फौत 1985 में फौत हुई, वो आई मेरी बहन के पास। कहने लगी बीबी मेरी नौ मेरे नाल बड़ा लड़ती हैं, तो मैंने कोई तवीज दे सारियां मेरी गुलाम बनना। और लड़ती खुद थी बड़ी जबरदस्त, तो मेरी बहन को तो पता था कि क्या चक्कर है। तो उसने एक तावीज लिखा और उसको ना तय करेगा कि मासी शरीफा जिसले हुन लड़ाई होगा ना, ये तावीज तो इतने दंदा दे विच दे के ना तैन करके भाई जाऊंगा, तावीज डिगड़न नहीं चाहिए, नहीं तो तेरा घर उजड़ जाएगा। वो चक्कर क्या था, उसको चुप कराना, लड़ाई तो सारे यहां से चलते। तो एक हफ्ते बाद आ गए, कभी भी तू तो मैं तवीज देता है, सारिया ही लड़ाइयां मुक गई, क्योंकि मासी आप चुप हो गई, मासी चुप तो लड़ाई खत्म। तो मां बाप अगर अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनकी हौसला अफजाई करें, कमियां ना पकड़े। मैं एक बच्चे को अरबों पति आदमी का बेटा, माँ बाप ने ताने दे 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 तलाक दिलवा के छोड़ा, और वो ऐसा डिप्रेशन में गया कि अब 10 साल हो गया, वो 4-4 महीने कमरे से बाहर नहीं निकलता। दूसरी शादी की है, अब बड़े खुश हैं। मैं जब भी मिलता हूँ, ये मेरी बहू ने तो मेरी बेटियों की याद भुला दी, तो मुझे बड़ा रोना आता है अंदर अंदर कि तुमने बेटे को ना देखा, अपने आप को देखा, बेटे को तो बर्बाद करके रख दी। तो मैंने उससे पूछा तूने तलाक क्यों दी, कहा जी माँ बाप के ताने सुन सुन। वो पहले था बहुत गलत लाइफ थी, तो उसके बाप ने मुझे खुद कहा कि जी मेरे बेटे को कुछ मिलो, अल्लाह करे कुछ उसको अल्लाह हिदायत दे। तो हम उसे मिलते रहे, अल्लाह के फजल से वो 3 चेले के लिए निकल गया। फिर उन्होंने उसकी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना दिया, शादी हो गई।
तो अब मैंने कहा जी क्यों तलाक दी, कहा मौलाना जब मेरे मैं जब सारी रात बाहर रहता था तो कभी मेरे माँ बाप ने मुझसे नहीं पूछा था किधर हो कैसे। जब शादी हुई तो अब रोजाना साढ़े बोल तो बैठ दे नहीं, बीवी दी कच्छे ची बढ़िया रह जाता, साढ़े बोल तो बैठ दे नहीं, बीवी दी कच्छे ची बढ़िया रह जाता, हमारा तो हाल ही नहीं पूछ, कमरे से निकलता ही नहीं। कहा बस ये मुसलसल एक साल सुन सुन सुन, मैंने कहा लो ये एक कागज दे दे। ऐसे पड़े पड़े हैं हर घर के में अफसाने। तो जिंदगी को मुकम्मल बनाने के लिए एक सिरा अल्लाह से जोड़ना है, उसमें इबादत नमाज रोजा है सका, एक सिरा बंदों से जोड़ना है जिसमें अखलाक है जिसमें रवैये हैं, और उन सब का खुलासा ये जबान का मीठा बोल। मेरा दिल बिल्कुल साफ है, दिल कौन देखता है, हर कोई जबान को देखता है, बोल को देखता है। और कईयों को शैतान ने यूं पट्टी पढ़ाई, मैं तो जी मुंह पे आख देना मैं मुनाफिक कोई नहीं है, बेवकूफ आदमी, यानी अपनी हमाकत को अपनी सिफत बता रहा है, किसी की कमी उसके मुंह पे कहना ये कोई इंसानियत है तो शैतानियत है। किसी को कमी से निकालने का रास्ता ताना नहीं है, ताना देने से तो और आदमी बर्बाद हो जाता। तो मोहब्बत देना है, मोहब्बत देना है, मोहब्बत देना है। बेशक मां बाप का हक मेरे नबी ने बताया, लेकिन औलाद पे बताया, बहू पे नहीं बताया, औलाद पे बताया। मेरे ऊपर खुद मेरे नबी ने फरमाया काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, या कम अज कम मेरी माँ होती, और मैं ऐशे के नमाज के मुसल्ले पे होती, सूरत फातिहा पढ़ रहा था, इधर से मेरे मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देती। बताया और आपने फरमाया बाप तेरा जन्नत का दरवाजा है, चाहे तो तोड़ दे चाहे तो खोल, खिदमत करेगा तो खुल जाएगा, नाराज करेगा तो टूट जाएगा। एक सहाबी हजरत अलकमा, उनकी बीवी ने पैगाम भेजा कि या रसूलल्लाह अलकमा मौत के किनारे हैं, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा, तो आप तेजी से आए और उनको कहा बेटा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहलवाने वाला नबी और कहने वाला सहाबी, आपका कहो ला इलाहा इल्लल्लाह का ही नहीं कहा जा रहा, जबान पे नहीं आ रहा, बातें दूसरी कर रहे हैं, कलमा नहीं जबान पे आ रहा। तो आपने कहा इसके माँ बाप में कोई है, कहीं माँ है, आपने पूछा नाराज है, कहा जी नाराज है। तो आपने फौरन उनकी माँ को बुलवाया और कहा कि तुम्हें अलकमा से क्या शिकायत, कहा जी और तो कोई नहीं, बहुत नेक है, मेरे साथ बदतमीज होकर बोलता, बस ये शिकायत, सख्त बोलता है मेरे साथ। तो आपने कहा इसे माफ कर, कहा मेरा जी नहीं चाहता, कहा अगर मैं इसे आग लगाऊं फिर सिफारिश करोगे, कहा फिर तो करो, कहा तूने माफ ना किया तो अल्लाह इसे जला देगा आग में, अच्छा मैं माफ करती हूँ। जब उन्होंने कहा मैं माफ करती हूँ, आपने कहा बेटे कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसने कलमा पढ़ा और जान निकल गई। फिर आपने उनका जनाजा खुद पढ़ाया और उनके दफन होने में भी आप शरीक हुए। फिर आपने सबसे कहा कि देखो जिसने माँ बाप को तंग किया उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, जमीन आसमान की लानत। तो ये सारे हुकूक औलाद के लिए आ रहे हैं, बहू के लिए नहीं, औलाद के लिए आ रहे हैं। तो हम उसको मिक्स कर देते हैं और फिर जो कि यहां थोड़ा सा आजादी का माहौल है, अब तो पाकिस्तान का भी यही हाल है, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं है तो जल्दी तलाकें, घर टूट रहे हैं। पहला माँ बाप ने सिखाना होता है बेटे को, बेटा तुम किसी की जब बेटी लाओगे तो तुमने जिंदगी कैसे गुजार दे, वो नहीं सिखाते। बेटी वालों ने सिखाना होता है बेटी जब तुमने किसी के घर जाना है तो जिंदगी कैसे गुजारने, वो नहीं सिखाते। तो दोनों बिल्कुल अनाड़ी होते हैं जिंदगी शुरू करने से पहले। वो डॉक्टर बन गया है, वो उसको जॉब लग गई है, उसको दुकान मिल गई है, वो जवान हो गई, उसने बीए कर लिया, एमए कर लिया, जो भी कर लिया, लेकिन ना इसने ना उसने ये सीखा नहीं कि साथ चलना कैसे, क्योंकि ये चीज तो इस इल्म से नहीं मिलती, तो नबी के इल्म से मिलती है चीज।
हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, जब आप लेट घर में आते थे, लेट आते थे घर में, तो आप बड़े आहिस्ता से अंदर आते कि किसी की आंख ना खुले, और आप इतनी आवाज में अस्सलाम वालेकुम कहते थे कि जागने वाला सुन ले और सोए हुए की आंख ना खुले। जब आप तहज्जुद में उठते थे तो इतने आहिस्ता से उठते थे कि आयशा की आंख ना खुले या जिस बीवी के घर में उसकी आंख ना खुले। और फिर आपने फरमाया तुम में अगर कोई, वो जमाना था ना जब इतला नहीं थी, जब तुम में कोई घर वापस आए और उसे शाम हो जाए तो घर ना जाए, बाहर ही कहीं सो जाए, सुबह घर जाए ताकि घर वालों को तकलीफ ना हो। सुभान, क्या खूबसूरत जिंदगी बताई है मेरे महबूब। फिर अगला स्टेप औलाद का है, तो औलाद के लिए टाइम निकालना, उनके साथ दोस्ती लगाना, उनको मोहब्बत देना, इससे जो नतीजा आएगा वो सख्ती से नहीं आएगा, शिद्दत से नहीं आएगा। हसन हुसैन के साथ आपने इस तरह जिंदगी गुजारी जैसे एक बाप बच्चों के साथ गुजारता है, हालांकि आपका मकाम क्या है। अब आप हजरत हसन हुसैन को ऐसे यूं जबान दिखा दिखा के उनसे खेलते थे, यूं यूं क्या करते थे, तो वो छोटे थे तो वो आपकी जबान, जितनी जबान में सुर्खी उतनी उस सेहत की अलामत होती, कोई तय नहीं थी, तो वो सुर्ख जबान देकर वो समझते कोई खाने की जाए तो यूं झपट्टा मारने की कोशिश करते, झपट्टा मारने की कोशिश करते थे कि दो जहान का सरदार बच्चों के साथ कैसे जिंदगी गुजारे। कभी आप नमाज पढ़ा रहे होते थे तो आप रुकू में जाते तो हसन भागे भागे आते और यूं टांगों में से गुजर के इधर से निकल जाते थे, तो आप नमाज के बाद दो थप्पड़ मारते कि बदतमीज नमाज खराब करता है अपने नानी की। और कई दफा ऐसा हुआ कि आप सजदे में और आके कमर पे बैठे और आप सजदा लंबा कर देते थे, जब तक वो उतरते नहीं थे कमर से, आप सजदे से सर नहीं उठाते थे। एक बाप बन के दिखाया कि जिंदगी कैसे गुजारनी, और दोनों को हाथों पे उठाते थे और कंधों पर बिठाते थे, यहां बिठाते थे यहां। अरबों में ऐब था बच्चे को उठाना, ऐब था बच्चे को उठाना, आपने उसकी ऐसी नफी फरमाई कि सिर्फ यहां नहीं उठाया, कंधों पे बिठाया, कंधों पर। एक बद्दू ने देखा कहा वाह वाह बड़ी आला सवारी है, तो आपने फरमाया सवार भी तो बड़े आला है। तो कहने लगे यार रसूल अल्लाह आपको इनसे बड़ी मोहब्बत है? हाँ मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत है, और अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करता है, और जो इनसे मोहब्बत करेंगे अल्लाह उनसे भी मोहब्बत करेगा। और आपने दुआ की अल्लाह मैं इनसे प्यार करता तू भी इनसे प्यार करो, और एक लिया कहा अल्लाह जो इनसे बोझ रखे तो उनसे बोझ रख, जो इनसे प्यार करे तो उनसे प्यार कर। हसन हुसैन की कुश्ती करवाते थे, छोटे बच्चे कुश्ती करवाते, एक दफा दोनों की कुश्ती करवा रहे थे, हुसैन को शाबाश दिए जा रहे थे, हसन को नहीं, शाबाश शाबाश। तो माने का आज फातिमा ने कहा या रसूलल्लाह हुसैन को शाबाश दिए जा रहे हैं, हसन को नहीं दे रहे। तो आपने कहा ये जिब्रील मेरे पास खड़ा हुआ हुसैन को शाबाश दे रहा है, मैं भी उसी के साथ। तो भाइयों जिंदगी को खुशहाल बनाने का रास्ता पैसा नहीं है, जिंदगी को खुशहाल बनाने का रास्ता रवैये है, अच्छे अखलाक है, दरगुजर है, माफ करना है, हर वक्त टोकना, हर वक्त टोकना, ये नफरत की इब्तिदा है, नफरत की जड़ बैठ जाएगी अगर बीवी खामिन को टोके, खामिन बीवी को टोके, मियां बीवी औलाद को टोके, जिंदगी खत्म हो जाएगी। लाइफ क्वालिटी बनानी है तो रवैये ठीक करो, और सब रवैयों का खुलासा आखिर में एक बोल आखिरी बात बताता हूं, वो ये जबान है, जबान का बोल मीठा कर। मेरे नबी ने हज़रत माज़ बिन जबल से फरमाया माज़ तुम्हें सारे दीन का खुलासा बताऊं, कजी क्या तो आपने यूं किया, ये जबान ये का इसे काबू में रख। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह जबान के बोल पे पकड़ होगी? कहा वाह वाह सबसे ज्यादा जहन्नम में जबान ही धक्का देगी। एक मीठा बोल सारी दुनिया के शहद इकट्ठे करो तो उससे ज्यादा मिठास,
और एक कड़वा बोल सारी दुनिया का समंदर के कड़वाहट इकट्ठी करो तो उससे ज्यादा है। सारी दुनिया का जहर वो तबाही नहीं लाता जितना एक जहरीला बोल तबाही लाता। सारी दुनिया का शहद वो मिठास नहीं देता जितना जबान का एक मीठा बोल मिठास देता। तो भाइयों, सुरात भी हैं, आप भी हैं, आप लोग माशाल्लाह एक फैमिली बन चुके, आपकी तीसरी चौथी नस्ल यहां। आपस के रवैये ठीक करो, बाजार में काम करते हो तो हलाल काम करो, हराम ना करो। जॉब करते हो, कारोबार करते हो, झूठ ना बोलो, धोखा ना दो, फ्रॉड ना करो। यहां की हुकूमतें तुम पर खर्च करती हैं, टैक्स ना बचाओ, टैक्स में चोरी ना करो। हमारे मुल्कों में चोरी होती है, कुछ नीयतें खराब हैं, कुछ हुकूमतें भी खराब, वो लगाते ही नहीं, ये बहुत थोड़ा लगाते। लेकिन यहां तो टैक्स चुराने का कोई जवाब नहीं, यहां तो आप पे लगाया जाता है। पर ऐसे गलत पेपर बना के कोई दो नंबर ही काम ना कर, जिससे तुम्हारा जमीर तुम्हें मलामत करे, कर अल्लाह की बारगाह मलामत। तो मैं किस्सा सुनूं, याद आया, एहसान दानिश की किताब है आप बीती उसकी, तो उसने वाकया लिखा है कि दिल्ली में एक जेब कतरा था, उसकी पूरी टीम थी जो शाम को आकर उसको कमाई देती थी। तो एक दिन एक उसका चेला 2 रुपए लेकर आया। ये है जब अंग्रेज की हुकूमत थी, जब बर्तानिया का राज था, तो उसको डांटा, क्या सिर्फ 2 रुपए, इतने थोड़े क्यों? कस्ता जी आज बड़ा माल कमाया था, देखो एक अंग्रेज की जेब काटी थी। मैं 4 कदम चला तो मुझे ख्याल आया कि अगर क्यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी को ताना दे दिया कि आपके उम्मती ने मेरी उम्मत की जेब काटी, तो मैं अपने नबी को क्या जवाब दूंगा? तो मैं शर्म से पानी पानी हो गया और मैंने जाकर उसको वो वापस कर दिए, और ये अपने की जेब काट के ला। तो गुरु ने उसको ना 10 रुपए इनाम दिया, पार्टीशन से पहले की बात है, उसको 10 का ये तेरा इनाम है जो तूने आज ये काम किया। तो तुम अपने नबी के लिए कोई ताना लेने वाले ना बन जाओ कि कल को ईसा अलैहिस्सलाम कहें कि आपके उम्मत ही क्या करते रहे मेरी उम्मत के साथ। तो कोई दो नंबर ही ना करो, ये अखलाक और रवैयों का हिस्सा है। अपने टैक्स की चोरी ना करो, चीटिंग ना करो, कागजात बनाने के लिए कोई गलत कदम ना उठाओ। यहां की लड़कियों से शादियां कर लेते हैं कि पेपर बन जाए, पेपर बन जाए, ये जुल्म और सितम ना करो। कि दीन से हम किसी को मुतनफर ना करें, अगर हम किसी को करीब नहीं कर सकते दूर भी ना करें। बाजार का दीन सच्चाई है, मामलात का दीन सच्चाई है। तुम सच के पीछे चलो, अल्लाह तुम्हें वहां से देगा जहां से वहम गुमान भी नहीं। झूठ के पीछे ना चलो, सच के पीछे चलो। ये चंद एक चीजें हैं, इनका अगर आप ख्याल करोगे तो जिंदगी बहुत आला हो जाएगी। लेकिन ये तरबियत से निकल कर ये चीज आती है, ऐसे नहीं आती। मेरी 1.5 घंटे की बात से कैसे होगा? बस अल्लाह तो चाहे तो कर दे, उसके लिए क्या मुश्किल। लेकिन असबाब की दुनिया है, सीखना पड़ता है। मैंने पूरा दीन आपको 1.5 घंटे में बताया है, ये तबलीग उसको सीखने की मेहनत। तो इसके लिए वक्त दिया करो, एक दफा 4 महीने लगा लो, फिर हर महीने 40 दिन लगाते रहो, महीने में 1 वीकेंड निकालते रहो। तो यहां करीब तुम्हारा मरकज है, जो मैं रात को वहां जाया करो, बयान सुनो, रात क्याम करो, नहीं कर सकते वापस आ जाओ। ये थोड़ा सा है, और 24 घंटे की जिंदगी की तरतीब मैंने बता दी है, जबान के रवैये। और एक बात और कह के फिर हम बात खत्म करते, अपने दिल को सबके बुगज से साफ रखो, किसी की कमी दिल में ना लाओ। कोई ज्यादती कर जाए माफ करो, दुनिया में कोई ऐसा इंसान, कोई औरत ऐसी ना हो जो किसी औरत से बोलती ना हो कि मेरी तो इससे लड़ाई है, मैंने बात नहीं करनी। कोई शख्स ऐसा ना हो जो किसी से बाइकॉट हो कि मैंने इससे बात नहीं करनी, मेरा इससे कतई ताल्लुक है, ये ना कर। कोई तुमसे काटे तो
जोड़ो, काटे जोड़ो, काटे जोड़ो, न खुद कटो न किसी को काटो। तो ये वो अमल है जो तुम्हें क़यामत के दिन बगैर हिसाब के जन्नत में पहुंचा देगा। अपने दिल को साफ रखो, माफ किया, माफ किया, अल्लाह से लेंगे तुमसे नहीं, अल्लाह से लेंगे तुमसे नहीं। तो सारे भाई नियत करते हो, अब इस महीने के अंदर या अगले महीने के अंदर या साल के एंड तक, अब साल खत्म होने वाला है, जो भाई चार महीने के लिए निकल सकते हो, चिल्ले के लिए निकल सकते हो, जरा खड़े होकर अपने नामों का इजहार करो। तलबा है, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ करते हैं। वो ये है मेरे भाइयों बहनों, मस्तूरात भी हैं, आप ही का खासा मजमा है लंदन का। इंसान जिंदगी भर खताएं करता है, होती रहती हैं, जवानी में भी बुढ़ापे में भी, कुछ जानबूझ के करता है, कुछ खता से हो जाती हैं, गलती से हो जाती हैं। तो इसलिए चूंकि अल्लाह को पता था मेरा ये बंदा इस कमी का शिकार है, तो अल्लाह ने तौबा का दरवाजा बहुत बड़ा कर दिया, न उसकी कोई लिमिट रखी, ना कोई तादाद रखी, ना कोई उम्र की कैद है और ना कोई टाइम की कैद है और ना कोई आदत की कैद है कि 100 दफा के बाद मैं तौबा कबूल नहीं करूंगा या 40 साल के बाद मैं तौबा कबूल नहीं करूंगा। बाब तौबा ते मफ्तूहन मालम युगरगर, जब तक सांस उखड़ता नहीं, मौत पर सांस उखड़ता है, उस वक्त तक मेरे बंदे मैं तेरी तौबा का इंतजार कर रहा हूं। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात है इन इस्तेकालनी अकल तोला, जितनी दफा तू तौबा तोड़ के आएगा दोबारा माफी मांगने, मैं उतनी ही खुशी से माफ करूंगा जितना पहली दफा खुशी से माफ किया, जरा बोझ नहीं होगा। और अकल तो लहू की ये मैं एक ताबीर किया करता हूं कि ये तार है ना, ये रॉड है, ये टूट जाए ना तो उसको जहां से हम जोड़ेंगे ना, जोड़ नजर आएगा, कपड़ा फट जाए तो उसको रफू भी करें तो गौर से देखें तो निशान नजर आता है, यहां से रफू हुआ है, निशान बाकी होता है। तो अकल तो लहू में इशारा है कि तुम मेरे बंदे, मेरी बंदी, जितनी दफा अपनी तौबा का बर्तन तोड़ के लाओगे ना, कोई अल्लाह मैं माफी मांगता हूं, दोबारा जोड़ तो मैं वो बर्तन 100 दफा टूटा हो या वो 1000 दफा हो या 1,00,000 दफा, तो जब भी तो आएगा ना तो मैं उसको इस तरह अपनी रहमत से जोड़ूंगा, पेंट करूंगा कि वो टूटा हुआ नजर ही नहीं आएगा, हर दफा नया करके वापस करूंगा, हर दफा नया करके वापस करूंगा, और हर दफा तेरे आने की उतनी खुशी होगी जितनी पहली दफा हुई थी। कारून का नाम आपने सुना, कारून का अल्लाह ने कुरान में भी नाम जिक्र किया है, इन्ना कारून काना मिन कौम मूसा, 2 रुकू उसकी कहानी के सुनाए हैं। तो उसका बड़ा जुर्म था, उसने मूसा अलैहि सलाम पे बुराई की तोहमत लगाई थी, तो मूसा अलैहि सलाम को जलाल आ गया, तो अल्लाह ताला ने कहा मूसा जमीन को हुक्म दे, जो कहेगा करेगी। तो मूसा अलैहि सलाम ने जमीन से गए सो पकड़, तो उसने जमीन ने उसको खींचा, तो उसे पता चल गया कि मैं गया, तो मूसा अलैहि सलाम की मेहनत करने का मुझे माफ कर दो। मूसा अलैहि सलाम ने कहा और पकड़ो जमीन से, तो और नीचे चला गया, वो फिर कहने लगा मुझे माफ कर दो, मैं तो आइंदा नहीं करूंगा। मूसा अलैहि सलाम ने कहा और पकड़ो, वो माफी मांगता रहा, मूसा अलैहि सलाम ने माफ नहीं किया। अल्लाह की हिकमत थी, जब वो जमीन में धंस गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा ये तेरी मेहनत करता रहा तूने माफ ना किया, अगर ये एक दफा मुझसे माफी मांगता मैं माफ करके बाहर निकल जाता। तो जो कारून के लिए इतना मेहरबान है, तो हम तो कारून के बराबर के गुनाहगार नहीं है, हमारे गुनाह तो उससे बहुत थोड़े हैं, लेकिन गुनाह पे बाकी रहना ये अल्लाह को नापसंद है। तो आज बहुत बड़ा मजमा है मर्द औरतों का, हम अल्लाह से नया अहद करें,
अल्लाह ताला से सुलह करें और आज हम सारे तौबा करके यहाँ से उठे, जो पिछले हमसे हुए हैं कसूर कहिए अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, आइंदा नहीं करूंगा। सिर्फ ये नियत करने पर ही कोई 15 वर्ष का है या कोई 85 वर्ष का है वो या मस्जिद से यूं निकलेगा कि उसके जिस्म पर एक मच्छर के पर के बराबर भी गुना बाकी नहीं, मच्छर का पर भी बड़ा है एक डॉट के बराबर भी उसके ऊपर कोई गुना बाकी नहीं रहेगा, अल्लाह यूं उसको साफ करके भेजता। एक लफ्ज पर सारी जिंदगी के गुनाह माफ हो जाते अल्लाह में, और अल्लाह ताला पूछता भी नहीं कच्चे हो के पक्के हो, ये उसकी रहमत है उसका करम। शैतान ने कहा तेरे सारे बंदे गुमराह करके मारूंगा, अल्लाह ने कहा जब तक माफी मांगते रहेंगे मैं भी माफ करता रहूंगा। बस बस शैतान ये डाल देता है कि क्या फायदा, इधर तौबा करता हूं इधर तोड़ देता हूं इसका क्या फायदा, इसका बहुत फायदा है बहुत फायदा है। पिछले तो माफ हो गया और फिर आइंदा अल्लाह को रो के दिखाओ ये अल्लाह नहीं करूंगा मेहरबानी कर, और बीच में अगर मौत ने ले लिया। एक वाकया याद आ गया, 3 साल पहले मेरा चिल्ला था सिंध में तो नवाब शाम पहुंचे तो वहां एक वडेरे को लाए बयान में, इंतहाई गलत जिंदगी उस बंदे की इंतहाई गलत जिंदगी, वो बयान में मुसलसल रोता रहा। और जब मैंने ये तौबा करवाई तो सबसे ज्यादा जोर से उसने कहा या अल्लाह मेरी तौबा। वो घर वापस गया तो अपने नौकरों से भी कहने लगा कि मैंने आज तौबा की, रात को मर गया सीधा गया जन्नत, न पल्ले नमाज है ना रोजा, जुल्म अलग सिंध के वडेरों के कितने जुल्म है। तो मैं आपसे भी मस्तुरात से भी ये आखिरी गुजारिश करता हूं आज हम मिलकर इज्तमाई तौबा करें, करते हो तो कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अगर भाई बहनों आपने ये दिल से कहा है तो आपको मुबारक हो, आपके सब अल्लाह ने माफ कर दिया, आइंदा कभी हो जाए तो फिर माफी मांग लेना फिर माफ हो जाए। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंत अहलुहु, सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु, वफल बिना मा अंत अहलुहु, इन्नक अहलुत तक्वा व अहलुल मग़फिरा। या अल्लाह तू हमें अपना बना ले और हमारा बन जा, या अल्लाह कदम कदम तेरे नाफरमानियां की तेरे हुक्म तोड़े तेरे नबी के तरीकों को तोड़ा हम तुझसे माफी मांगते हैं हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह ये जितना मजमा तेरे हाथ तेरे बारगाह में हाथ उठाए हुए है मर्दों का औरतों का, या अल्लाह हम सब के अगले पिछले नए पुराने सगीरा कबीरा गुना माफ फरमा दे और हमारी नस्लों को भी माफ फरमा दे। और या अल्लाह ये तेरा तेरे महबूब की उम्मत का मजमा है, इनकी इनके नस्लों की इनके ईमान की अखलाक की दुनिया की हर चीज की हिफाजत फरमा, इन्हें माशरे में बेहतरीन इंसान बना के चला। या अल्लाह इनके खानदान मिसाली खानदान बना दे, इनके घराने मिसाली घराने बना दे, इनको इनकी औलादों को दीन का परचम उठाने वाला बना दे, दीन के मुताबिक चलने वाला बना दे। जो यहाँ जेर जमीन चले गए ईमान के साथ और कब्रों में है उनकी कब्रों को नूर से रोशन फरमा दे। और या अल्लाह जब हमारे जाने का वक्त आए तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमा और ईमान की जिंदगी के साथ हमें दुनिया से रुखसत फरमा। या अल्लाह हमें मुझी अमराज से बचा, मुहलिक अमराज से बचा, दुख दर्द वाली जिंदगी से बचा, तंगदस्ती वाली जिंदगी से बचा। हमें या अल्लाह ईमान की कुशादगी भी अता फरमा और माल की कुशादगी भी अता फरमा। या अल्लाह हमारे जिस्म को बीमारियों से महफूज फरमा, मुख्तलिफ किस्म के दर्दों से महफूज फरमा, सर से लेकर पांव तक हर हर उज़्व को सलामत फरमा। या अल्लाह हमारे सर को आंखों को कानों को बालों को जिस्म को नाखून तक को हड्डियों को या अल्लाह पट्ठों को हर चीज को हर किस्म की आफात से महफूज फरमा। या अल्लाह किसी का मोहताज बनाए बगैर वापसी मुकद्दर फरमा, किसी का मोहताज बनाए बगैर हमारी वापसी मुकद्दर फरमा। और या अल्लाह अपने फज़्ल व करम से
अपने फजल व करम से पूरी दुनिया के इंसानों को ईमान की दौलत नसीब फरमा, और पूरी दुनिया के आखिरी किनारे तक अपना पैगाम पहुंचाने वाला हमें बना। ये जितना मजमाया है, इनके दिल में जितनी जितनी तमन्नाएं हैं, ये अल्लाह तू बेहतर जानता है, समझता है, जबान से कहें या ना कहें तेरा जानना ही काफी है। और ये अल्लाह अंदर की कैफियत ही सवाल और दुआ है इस सब मजमे की, मर्दों की औरतों की अंदर में जो दबी हुई छुपी हुई फरियादें हैं, तमन्नाएं हैं, और तेरी बारगाह में वो नाफरमानियां नहीं है, तो अपने फजल से उन्हें कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। इस मस्जिद को मुकम्मल फरमा, इसकी तामीर को मुकम्मल फरमा, इसकी जरूरियात को गैब से पूरा फरमा। ये जितने भी बड़ी बने इसे नमाजियों के साथ भर दे, और ये अल्लाह सारे बरतानिया की मस्जिद को नमाजियों से आबाद फरमा। यहाँ जितने लोग आबाद हैं इनके आपस में अच्छे सलूक पैदा फरमा, इनमें मोहब्बतें पैदा फरमा, इनकी आपस की अदावतें नफरतें खत्म फरमा, झूठ को ख्यानत को बद्दयानती को खत्म फरमा, सच्चाई को सिद्क को अमानत को जिंदा फरमा, मियां बीवी में आपस में उल्फत मोहब्बत पैदा फरमा, औलाद माँ बाप में आपस में उल्फत मोहब्बत पैदा फरमा, पड़ोसियों के साथ उसने सलूक करने वाला बना, अपने और पराए का दर्द दिल में रखने वाला बना। या अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिल آخرت حسنة مقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على نبينا يا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب